दीन बंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी दत्तय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतय नमो नमः। तमादि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं विरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। एक बार सब हाथ उठा के बोला बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरी बार जोर करके आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही ठीक से। हरे राम राम राम। हरी बार ये आवाज जितना दूर तक जाएगी समस्त पाप नष्ट हो जाएगी समस्त दुख कष्ट खत्म हो जाएगी ये आवाज जितना दूर तक जाएगी। इसलिए और थोड़ा जोर से बोला हरे कृष्णा 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 पास में घुमा उसको हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपना गुरुपाद बंधु मत बैठ जा कर ले। सर्वप्रथम इसका इको ना थोड़ी कम कर दो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद बंधु नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिताई भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण कर रहे। कहते भागवत कथा की इतने महिमा है कहते पापी से पापी क्यों नहीं हो। अगर ये श्रीमद् भागवत कथा में किसी तरह एक बार बैठ जाए उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए धुंधुकार जैसे व्यक्ति गतगल्य हम सुन रहे थे उसका नाम ही था धुंधुकारी। धुंधुकारी मतलब क्या जो जीवन को धूम धूम जीवन को जो दुखी दुखी कर दे। आप लोगों ने श्रवण किया है इतने उसने पिता माता को सताया पिताजी घर छोड़कर भाग गए। माताजी को इतने कष्ट उसने दी मैया कुएं में छलांग लगा करके प्राण त्याग की। किसी बच्चे को कुएं को पास में खेलते हुए देखे तो धक्का मार करके कुएं में गिरा देता था। चोरी गुंडा बदमाशी फिर उसने छह बेस्याओं को घर में ला करके पाला और बेस्याओं ने बड़े बुरी तरह से उसको जान को ले लिए और गाड़ करके मिट्टी में भाग गई। अभी वो बन गया प्रेत।
लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है, अगर कोई गया जा करके अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में एक बार कोई पिंड दे दे, उसको जरूर मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब उसने गया में जाकर के पिंड दिया, देखा तब भी घर में भूत बन करके बैठा हुआ, कभी घोड़ा बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी बिल्ली बन करके, तरह तरह से डरा है। गोकर्ण ने कहा, तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया, मैंने इतने पाप कर्म की, मेरे नाम पर अगर कोई 100 बार भी पिंड दे देगा ना, मेरी मुक्ति नहीं होगी, इतने मैंने पाप की। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिला तो मिली कैसे? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा से। इसका मतलब है, अगर आप किसी तरह से आओ, ये भागवत कथा 7 दिन तक किसी तरह से सुन लो, अगर प्रेतात्मा को अगर भगवत गति मुक्ति मिल सकती है, क्या हम जिंदा जिंदा कथा सुने हमें मुक्ति नहीं मिलेगी? हमें भी ये संसार का दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये भागवत कथा की ऐसे महिमा, कहते पापी से भी पापी कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अरे कितना बार सुनेंगे सुनी सुनाई कथा को, हमने बहुत सुन लिया, हम तो कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए। लेकिन यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बोले भैया भगवान की कथा जितने सुनो ना, इसलिए हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सुना ता अघाई, राम कथा जय सुना कृष्ण कथा जय सुना अघाई, कृष्ण कथा जय सुना अघाई, रास बिते जनक तीन नाई, राम कथा जय सोना राम कथा जय सोना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई बोले हम तो कथा सुनते सुनते बोर हो गए, बोले इसका मतलब है वो कथा में क्या रस है ना, उसको ये बात पता ही नहीं। इसलिए भागवत में जब पृथ्वी महाराज को भगवान बोले वर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 काम दे दो, कितने काम दे दो? बोले 10,000 काम लेकर क्या कर दो, 2 कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर तुम्हारे सर में 2 कान, शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी? 2 कान तो बढ़िया लग रहा है। बोले प्रभु कान तो 2 ही रहे, लेकिन ये दोनों कान में कृष्ण की कथा सुनने के लिए इतने शक्ति मिले, जैसे 10,000 कानों में जितने शक्ति है, 2 कानों में कथा सुनने की इतना शक्ति हमें दे दो, कान के 2 रहे। इसलिए श्री हनुमान जी क्या करते हैं, बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, अगर 1,000,000 जगह पर अगर प्रभु राम की कथा होना, सबसे पहले श्री हनुमान पहुंचेंगे। कहाँ बैठेंगे? सबसे पीछे बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? हाथ जोड़ करके, आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान की कथाओं को सुनेंगे। और जाएंगे कब? जब कथा की विश्राम हो जाए, जब सबके सब चले जाए, सबको प्रणाम करते हुए वहां का धूल को लगा करके फिर श्री हनुमान जी वहां से जाते हैं। इसलिए भगवान कथा के सबसे बड़े जो रसिया है श्री हनुमत लाल जी। हनुमान जी कौन है? कहते स्वयं शंकर ही है, ये शंकर ही हनुमान बन करके आए प्रभु की सेवकाई करने के लिए। इसलिए वो कहते प्रभु मेरे को 10,000 काम दे दो, मतलब क्या? जैसे यहाँ ठाकुर जी की कथा हो रही है, भैया और भी तो कहीं कथा होती होगी? कहते जहां जहां पर कथा हो, कोई कथा मेरी चूक नहीं जाए, समस्त जगह पर जाकर के मैं कथा सुनूं,
और हमारे संप्रदाय में एक रस एक संत कहते हैं, बोले तुंडे तांडवी निवित वित नुते तुंडा बलि लब्धय करना क्रडो कडमिनी घटयते करना बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वे इंद्रियाणाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णे तिवर्ण द्वय। बोले कृष्ण ये जो दो अक्षर है, बोले भगवान इसमें कितने रस भर दिया ठाकुर जी, कितने रस भर दिया। जब कानों में प्रवेश करता है ऐसे लगता है ब्रह्मा जी तो सृष्टि करना जानते नहीं, इतने सुंदर कृष्ण कथा सुनने के लिए दो ही कान क्यों दे दिया। कहते कान में करोड़ों करोड़ों कान उन्होंने क्यों नहीं दे दिया। जब ये जिह्वा पर ठाकुर जी का नाम उदय होता है लगता है भैया अर्बुद खरबुद जिह्वा क्यों नहीं दे दिया। हृदय में जब भगवान के नाम प्रवेश करता है लगता है जैसे रस की धारा जैसे बरस रही। इसलिए भैया भगवान की कथा जितना सुना लगता है जीवन में कभी हमने सुनी नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, जो मैया की पेट से निकलना नहीं चाहते थे, परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म तेजी है ब्रह्म में निष्ठ रहने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति भागवत का एक श्लोक जिनकी कान में पड़ते ही सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को परित्याग उन्होंने किया और पूरे के पूरे उन्होंने भागवत कथा सुनी। इसलिए कथा को कौन सुन सकता है, बोले पापी से पापी क्यों नहीं हो तभी कथा सुन सकते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो कथा को सब सुन सकते हैं। इसलिए कथा को सबको सुननी चाहिए और ये कथा सभी की व्यथा को हरण करने वाली ये श्री भगवान की कथा है। और दूसरे नंबर में बताए भैया कथा सुननी कहाँ से, बोले भैया भक्तों से सुना, संतों से सुना, वैष्णव से भगवान की कथा सुना, जो सचमुच से भगवान की भक्ति करते हैं भगवान की भजन करते हैं, अगर उनसे अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो फिर हृदय में भगवान की भक्ति और हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होगा। अगर जहां तहां विषय जो भगवान की भक्ति करता नहीं भजन नहीं करता केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए कथा करता है उससे कथा सुनने से हमारे कोई कल्याण नहीं। उदाहरण दिया जैसे दूध, दूध पीने से क्या होता है बोलो, हृष्ट पृष्ट खुदा निवृत्ति ताकत आई। लेकिन वही दूध को अगर सांप ने मुंह मार दिया तो क्या होगा, वो देखने के लिए तो दूध लगेगा लेकिन पियोगे तो क्या होगा बोलो, मृत्यु का कारण होगा। देखने के लिए तो लगेगा ये दूध है लेकिन उसको पियो तो मृत्यु का कारण होगा। इसलिए कथा सुननी चाहिए संतों से, जो भगवान की भक्ति भजन करते हैं उनसे ये भागवती कथा उनसे हमें सुननी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा सुनने से राधा रानी कहती हैं 7 लाभ फायदा होगी। कितना फायदा होगी बोलो जोर से, कौन कौन बोल सकता है 7 फायदा क्या होगी। तो वर्तमान नाम क्या है, अनुभव, नाम तो बहुत बढ़िया दिया ठाकुर जी, अनुभव बताओ अनुभव। अनुभव जी बोले मैं बोलूंगा, गुरु जी क्या बोले थे 7 लाभ है मैं सुनाऊंगा। देखो इनके लिए ताली हो जाओ कम से कम, इन्होंने कोशिश की है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये कथा को, राधा रानी खुद कहती है ये कथा जो सुनेगा उसको 7 फायदा होगा। जल्दी जल्दी आ जाए, हाँ अनुभव जी क्या अनुभव इनकी है, अभी अनुभव जी अनुभव की कथा सुनाएंगे। माइक दे दो तो, हेलो माइक लो ऑन करके दे दो, हाँ बोलो। प्रणाम सभी को, प्रणाम। लिखता हूँ धीरे धीरे, हाँ बोलो बोलो। अमृतत्व की प्राप्ति होती है जो भागवत सुनते हैं। दूसरा की प्राप्ति हम गत कल श्रवण कर रहे थे, हाँ देखो आप लोग भी याद करो
ये कथा कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये राधा रानी खुद कहती हैं जो ये कथा को सुनेगी उसको अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए कथा कौन किसको कहाँ पर सुनाए थे? भागवत शंकर जी माता पार्वती को कहाँ सुनाए थे? अमरनाथ में। ध्यान देख कर सुनो। देखो हम जगत का बहुत सारे बात तो याद रखते हैं, लेकिन भैया वो बात को याद रखना कोई महत्व नहीं है। ये शरीर छूटते ही सारे डिग्री पिग्री जहाँ हैं सब यहीं रह जाएगी। आगे कोई भी डिग्री तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं है, उतना ही जाएगा। मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा क्या कहती है, पायो जी मैंने पाया। क्या पाया जिंदगी में? जितना राम और कृष्ण का नाम लिया वही पाया, जगत में सब ही खोवाए। लेकिन एक खोया हुआ डिग्री की तो हम इंजीनियर डॉक्टर सीए और बड़े बड़े डिग्री कर लेते हैं, लेकिन भैया ये डिग्री अंतिम में कोई काम करने वाले, कोई भी डिग्री तुम्हारी काम में नहीं आएगी। एक डिग्री काम आएगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर इसको कोई डिग्री अर्जन कर लिया तो बस जग में सबई खुमाए। इसलिए पहला लाभ है कथा सुनने का। शंकर जी ये कथा पार्वती को कहाँ पर सुनाए थे? अमरनाथ। अमरनाथ शंकर स्वयं कहते हैं, कहते पार्वती ये कथा सुनकर ही मैंने ये अमृतत्व को मैंने प्राप्त की। पर पार्वती बोली, प्रभु मेरे को भी सुना दो। क्यों? मैं हर जीवन में शरीर छोड़ती रहती हूँ, आप तो अमर बन जाते हो, मैं मरती रहती हूँ। फिर उन्होंने माता पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाए, फिर माता भी अमरत्व की माता जी को भी प्राप्त हुई। समझो जो सत्यम शिवम सुंदरम जो जगदम्बा जगत जननी स्वयं माता जी कहती, ये भागवत कथा सुन करके ही हमें अमृतत्व की प्राप्त हुई। अगर हम भी कथा सुनेंगे ना, आप भी जगत में अमर बन जाएंगे। जिन जिनियों ने ये कथा सुनी जगत में, ये सब के सब अमरत्व की प्राप्ति की है, हैं? इसलिए यहाँ पर एक रविदास का मंदिर है ना। क्यों? हमारे बाप का तो मंदिर यहाँ कोई है ही नहीं, हमारी माँ की मंदिर तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये रविदास में क्यों पूजा कर रहे हैं? कारण क्या है? भगवान की भजन किया है। घर घर में हनुमान जी की पूजा होती कि नहीं? हनुमान जी की। क्यों हनुमान जी क्यों पूजा होती है बताओ, किस लिए? क्योंकि राम की भक्ति की है, भगवान की भजन की, इसलिए जगत में इसलिए उनकी पूजा हो रही है। अगर हम भी ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, हमारी भी पूजा दुनिया में घर घर में होगी। बताओ जगत में कितने स्त्री हुए, लेकिन मीरा का नाम हम क्यों लेते हैं? बताओ क्यों मीरा का नाम ले रहे हैं? और कोई स्त्री का तो नाम लेते ही नहीं। तुमको पूछो तो तुम्हारी मैया की नाम में तुम्हारी याद नहीं होगी, लेकिन ये मीरा की नाम क्यों याद रखते हैं? क्यों? मीरा जी ने भगवान की भजन की है, भगवान की भक्ति की मीरा है। इसलिए जितने स्त्रियां आप बैठे हो, 7 दिन में एक एक मीरा बन जाना। क्या बन जाओगे? अरे बोलो क्या बन जाओगे? हाँ गोपी बन जाना सबके सब 7 दिन में। फिर देखना तुम्हारी भी पूजा दुनिया में, तुम्हारी भी पूजा होगी। ठीक है बोलो। पहला लाभ है कथा सुनने से अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। अब दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा लाभ है तप्त जीवनम। ऑडियंस को देखते मतलब सभी दुख दूर हो जाएंगे हमारे। हाँ सब दुख हमारी दूर हो जाएगी। हम कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, संसार दुख ही दुख भरा हुआ, संसार और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान खुद कहते दुखा लयम, ये दुख का घर ही है। लेकिन कहते अगर कथा सुनेंगे तो ध्यान देकर सुनो माता है, कल मैं देखूंगा तुम्हारी अंदर में कौन बोल पाता है, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है भैया दाजी बोल रहे हैं, कल देखेंगे तुम लोगों को क्या बोल सकते हो। बोले तप्त जीवनम। दूसरा लाभ है जितने तुम्हारी संसार में दुख कष्ट है, सारे दुख कष्ट भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कहते ये कथा सुनने का दूसरा लाभ। तीसरा लाभ बोलो, सभी पापों का नाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कल्मषा अपहम। दुख क्यों भोग कर रहे हैं? ये हमारी पूर्व जन्म का पाप का फल है। लेकिन कथा सुनेंगे तो क्या होगा? तुम्हारी समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बताओ चौथा लाभ क्या है? सर्वम मंगलम, सब मंगल होगा। हाँ इसलिए कहते हैं जो कथा सुनेंगे ना, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, कथा सुनने से तुम्हारी
समस्त अमंगल तुम्हारी दूर हो जाएगा। पास पास में मत बैठा करो, जो पास में कथा करते हो ना अलग अलग बैठो। देखो कथा सुनने का एक नियम है, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, जिसको नहीं जानते हो उसको पास में बैठो, नहीं तो क्या होगा, बिना गालने से कथा बोलोगे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, कथा सुनने से क्या लाभ है, अनजान में जैसे अमृत है, अगर अनजान में पियोगे तो क्या होगा, अमर बन जाओगे। अगर कोई बीस है, जहर है, तुमको पता नहीं ये जहर है, अगर उसको खाओगे तो क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, विष खाओगे तो क्या होगा, मर जाओगे। उसी तरह हमें पता नहीं ये कथा की महिमा, हमें पता नहीं, अगर तुम अनजान में भी ये कथा में बैठ गए ना, ये जरूर तुम्हें फल देगा। एक छोटी सी स्टोरी सुन, ध्यान देकर मैं देखूँ ये स्टोरी मेरे को कल जो सुनाएगा उसमें कोई नाम देगा। अब एक मन से सुना ये स्टोरी को, देखो अनजान में एक समय कोई एक फेरी वाला था, ये एक गांव से दूसरा गांव जैसे फेरी का काम करते हैं, घूम घूम करके बेचते। एक दिन ये फेरी का काम करते करते ये पहुंच गया बहुत दूर तक गांव से, सोचा क्या करे, आज गांव को यहीं पर रुक जाए, कल से फिर अपना बिजनेस को शुरू करूंगा। पूछा भैया यहाँ कहीं रुक सकता हूँ, पहले हर गांव गांव में मंदिर, जैसे आपका गांव में भी तीन चार मंदिर है, अगर कोई अतिथि आए उसी मंदिर में रुका करते थे। बोले हाँ यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर, जाओ वहीं पर रुको, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन पहले पहले क्या होता था, पहले ये स्मार्टफोन नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, आपको पता है पहले गांव के लोग मंदिर में शाम को इकट्ठ होते थे, इकट्ठ होकर के मजीरा और ढोलकी में क्या करते थे, ठाकुर की भजन करते थे, कीर्तन करते थे। वो फेरी वाला अभी घूमते घूमते जब विश्राम करने के लिए गए, इतने में गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, आ करके मजीरा और ढोलकी लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय मेरे पीछे पीछे राधे राधे बोलने, ठीक है, बोले वृंदावन में I'm gonna get
वृंदावन बिहारी लाल की। अभी गांव के भक्त लोग कीर्तन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये जो फेरी वाला था इसको तो कीर्तन फिरतने से कोई मतलब नहीं, तो बिजनेस में मतलब है। अभी उसने सोचा ये आफत कहाँ से आ गया, ये आकर कीर्तन करने लग गए। जब सबके सब कीर्तन कर रहे थे, वो भी मजबूरी में, वो भी ताली बजाते हुए थोड़ी सी कीर्तन की, इतने में संत आ गए। फिर ठाकुर की कथा सुनाना शुरू कर दी, बोले भैया ये फिर कहाँ से आ गया है। अभी जब सबके सब बैठ करके कथा सुन रहे थे, ये भी कथा सुनना शुरू कर दिया, लेकिन कथा कैसे सुन रहा था, बोले ये तो बेकार काम है, जिसका कोई काम धाम नहीं है, जो भगवान की भजन कीर्तन करते हैं। अभी भक्ति से उसने कथा नहीं सुने, ध्यान देकर सुनो, मन लगा करके सुनना, इसका एक फल है। अगर तुम भक्ति से सुनोगे तो एक फल मिलेगा, अगर वो सोचोगे जिसे कोई काम धाम नहीं, टाइम ही पास करना बैठ के, इसका भी अलग फल है। अच्छे तरह से सुनो इस कथा को, कितने महत्व जो मन लगा कर कथा सुनते हैं, ठीक है। अभी उसने सब ताली बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सुन रहे थे, वो भी बैठ कर कथा सुन। एक घंटा कथा होने के बाद संत जब चले गए, बोले भैया बच गया, फिर उसने सो गया। जब सो गया, कुछ दिन बाद में मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई, हम जो कर्म करते हैं काय मन और भाग्य से कर्म करते हैं, ये तीनों को द्वारा, इसलिए मरते समय तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए और उसको पकड़ करके ले गए जमपुरी में। जब ले गए, जब महाराज बोले इसका कापी खोला, कितने पाप और कितने पुण्य किया। देखो ये मत समझो ये सब गप्पे हैं, नहीं ये गप्पे नहीं है। देखो एक व्यक्ति का तीन बच्चे, देखना तीन बच्चों का स्वभाव अलग है। एक बेटा तो इतने पैसा कमाता है कहाँ रखेगा, उसका जगह नहीं। एक बेटा कुछ कमाई नहीं सकता, पढ़ ही नहीं पाता है। सबका स्वभाव देखना, घर में 5-10 व्यक्ति, सभी की चरित्र अलग है, सभी की स्वभाव। क्यों, जन्म हमने दिया, लेकिन जो कर्म है ना वो अपना कर्म को लेकर के आया। हमने जन्म उसको दिया, कर्म उसको हमने नहीं दिया। वो तो जैसे करनी वैसे भरनी है। अभी बोले कापी खोलो उसको, कितने पाप और पुण्य की। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब वो जानते हो, वो लिखता है सारे जीवन। चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुप करके। अगर कोई सोचे 10 मंजिल के ऊपर में मैं बैठ करके दरवाजा बंद करके क्या कर रहा हूँ, कौन देख रहा है, नहीं। ये जो दिन में कुछ भी कर्म करते हो, ये सूरज का किरण सब जगह पर, सारे फटो अपने आप, हमारे सारे फटो ऊपर से जो कुछ कर रहे हो सारे फटो जा रहा है। अगर कोई सोचे रात में कुछ कर रहा है, कौन देखता है। ये जो रात है ना, जो 10 दिशाएं हैं, इसकी साखी है। कुछ भी कर्म को हम छुपा करके कुछ भी नहीं कर सकते हो, सारे फटो अपने आप ऊपर में, चित्रगुप्त। इसलिए उसका नाम है चित्रगुप्त, मतलब गुप्त रूप में हमारे सारे फटो को जो लेता रहता है। बोले बताओ इसका कितने पाप और पुण्य है। बोले इसने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, ये तो झूठ मूठ करके पैसा कमाता था, परिवार को मेंटेन से करता था। बोले थोड़ी बहुत तो पुण्य भी तो होगा। बोले केवल थोड़ी सी पुण्य है, क्योंकि ये फेरी का काम करते करते किसी मंदिर में पहुंचा था, वहां पर सत्संग कीर्तन हो रही थी, इतना ही पुण्य। जीवन में एक घंटा केवल उसने भागवत कथा सुनी और कीर्तन की, और कोई पुण्य नहीं। तब जब महाराज बोले अगर भक्ति से अगर कथा सुनता तो उसको कोई विशेष फल होता, लेकिन इसने भक्ति नेगलेक्ट भाव से कथा सुना, बेकार काम है, जिसे काम धाम नहीं वही सब काम करते हैं, हैं? इसलिए उसको एक घंटा उसको स्वर्ग मिलेगा। उसको पूछे बताओ पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे। बोले भैया जब नरक में जाना ही है, हमने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया से ले आना। जब उसको स्वर्ग में ले गए, अभी उसने स्वर्ग को देख करके ना चकाचौंध हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितने सुंदरी स्त्रियां है ना, इससे 1000 गुण स्त्रियां सुंदरी ये स्वर्गलोक में है।
रंभा उर्वशी मेनका, जैसे हमारी ईट पत्थर देव घर है वहां पर तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से, वहां पर लाइट नहीं मणि, एक मणि रख दो अपने आप लाइट होता है, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं बनते, कोई बूढ़ी नहीं बनते है वहां पर स्वर्ग में, वहां पारिजात वृक्ष और वहां पर सुधर्मा सभा, उसको तो देख करके आश्चर्य में पड़ गया। कहते मैं कोई सचमुच से कोई चीज देख रहा हूं ना, स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन कितना समय के लिए स्वर्ग गया था बोलो, कितने समय के लिए? हाँ कल सब मैं पूछूंगा, देखो था कौन ये कहानी जब कौन सुनाता है। एक घंटा के लिए स्वर्ग गया, उसने सोचा अगर एक घंटा अगर मैं भोग कर लूंगा उसको बाद में तो नरक ले जाएगी, एक घंटा में थोड़ा घूम लेता हूँ यहाँ पर होता है क्या। ऐसे करते करते देखा एक कोने में कोई जा ही नहीं रहे, बोले भैया क्या बात, इधर क्यों कोई नहीं जा रहे। जा करके देखा ये इंद्र का छोटे भाई उपेंद्र मतलब श्री बामन देव वहां पर है और कुछ सात्विक संपन्न लोग वहां पर बैठे हुए, वहां पर चतुसन भी बैठ करके कथा सुना रहे थे और वहां पर कुछ लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। उसको याद आया चित्रगुप्त तो बोल रहा था मैंने एक घंटा कहीं कथा सुनी है इसलिए एक घंटा स्वर्ग में आया। भैया यहाँ भी कथा हो रही है, अगर यहाँ पर और एक घंटा बैठ जाऊंगा तो कितना घंटा स्वर्ग हो जाएगा? बोले दो घंटा हो जाएगा। उसने क्या किया, स्वर्ग का सुख भोग को भोगा नहीं, अमृत पिया नहीं, अप्सरियों के साथ में भोग किया नहीं, बाहर सीधा कथा में बैठ गया। बैठ करके सबके सब बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके सब जयकार कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, भी मस्त हो गया। लेकिन उसको पता एक घंटा बाद में मेरे को चोटी पकड़ कर नरक ले जाएंगे। लेकिन उसने देखा जब एक घंटा बीत गई लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, वो समझ गए ये सत्संग की कुछ फल है। वो उठेगा क्या, जम करके बैठ गया, बोले यहां से और उठना नहीं है, हमें उठे तो नरक ले जाएगी। वो बैठ गया जम करके, वो करने लग गया। इतने में उसको जो जमदूत ले गए थे जो वहां प्रहरी थे गेट कीपर, बोले भैया हमारे आदमी को वापस दो, एक घंटा हो गया। वो ढूंढे ढूंढते ढूंढते देखा वो बैठा हुआ सत्संग में ठाकुर की कथा सुन रहे और हरिबोल कर रहे। देखो जो व्यक्ति आप ये कथा में बैठे हो जानते हो कहाँ पर बैठे हो, बांके बिहार की गोद में बैठे। जैसे कोई बच्चा जब माँ की गोद में बैठी जाए ना वो क्या सोचना है, निर्भय, कोई डर भय नहीं। इसी समय में किसकी मृत्यु का समय आ जाए, आप ये समझो जब तक ये कथा में बैठ रहे हो ना यहाँ जमदूत तो भी तुमको उठा करके नहीं ले सकते हैं। अगर मरने का समय आ जाए ना जब तक ये कथा में बैठे हो आपको कोई भी यहां से उठा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मरोगे तो कथा को बाद में, लेकिन कथा को बीच में नहीं मरने वाले हो, इतने ये कथा की महिमा है। जमदूत वहां तक गया गेट कीपर लेकिन उसको उठा करके नहीं ला पाया, क्यों, कथा में बैठा हुआ। आकर के बोले भैया उसने एक घंटा कहीं कथा सुना इसलिए एक घंटा स्वर्ग में गया, अभी तो और एक घंटा कथा सुन लिया तो कितना घंटा स्वर्ग हो गया, दो घंटा हो गया। फिर हम उसको ला सकते हैं कैसे, भैया हम कथा से नहीं उठा सकते हैं। अभी जम दूध देखे भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, हाँ ये तो बड़ा चतुर है, वो कथा ठाकुर कथा में श्री कृष्णम कथा पुन्ना श्रवण कीर्तना। कई जगत में अगर सबसे ज्यादा अगर पुण्य क्या है ये भागवत कथा को श्रवण करना। जैसे कथा को हम कान से सुनते हैं ठाकुर जी कथा को माध्यम से हृदय में जाते हैं। एक उदाहरण दिया, जैसे आपका कोई अच्छे कोई प्यारे बंधु तुम्हारे घर में आए, अत्यंत अत्यंत घनिष्ठ बंधु, देखा एक कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन उसमें धूल जमा हुआ है, वो क्या करेगा, दोस्तों को बोलेगा तू साफ कर, नहीं वो अपना रुमाल निकालेगा और साफ करके खुद उसमें बैठ। बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्यांग द्रविणा तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। हमारे घर सबसे कोई प्यारे दोस्त भाई बंधु कौन है, श्री ठाकुर जी। अगर हृदय में कोई अगर काम क्रोध लोभ है ठाकुर जी क्या करेंगे, हृदय में जा करके अपना रुमाल निकालेंगे, साफ करके ठाकुर जी हृदय में हमारी
ठाकुर जी बैठ जाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए ठाकुर जी की कथा सुनते 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 वहीं से सीधा ठाकुर के पास में चले गए, और जो जमदूत थे ना वो इंतजार करते 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 वहां से वापस चले आए। देखो जीवन में एक घंटा कथा सुने तो क्या फल मिला बोलो? ठाकुर जी के चरण में भक्ति भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए आप लोग जो यहाँ कथा सुन रहे ना, ऊपर से चित्रगुप्त सारे फोटो ले रहा है, अब भागवत की कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो, इसका जो पुण्य है ना तुम सोच भी नहीं सकते हो इसकी कितने महत्व, जो यहाँ बैठ करके तुम कथा सुन रहे हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राम। हमने ये जो कथा सुनाई याद हो गया हम लोगों को? किसको किसको याद हो गया, हाथ उठाओ। तो हाथ नहीं उठा रहे हम लोग। देखो इधर सुना, जो थोड़ी लिखे पड़े हो ना थोड़ी सी, जो बड़े बड़ी माता है तो उनको याद नहीं रहेगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत आप लोग लिखे बड़े हो, कोशिश करना कल से एक कापी और एक नोटबुक लेकर के आना, ठीक है? जो थोड़ी सी कम से कम लिखे पड़े हो, और सारी कथाओं को नोट करना, ठीक है? सारी कथाओं को नोट करना, हम तो 7 दिन बाद में चले जाएंगे। आप लोग कोशिश करना तुम्हारी अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी परिचित लोगों को भी ठाकुर जी को बारे में बताने के लिए, ठीक है? उनको भी बताने के लिए, क्योंकि अपना कल्याण तो होगा ही, इसमें दूसरा के भी कल्याण हो, दूसरों को भी भलाई हो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गतकल्य हम जो कथा श्रवण कर रहे थे ये पद्म पुराण की कथा है, आज हम लोग श्रवण करेंगे। कहते एक ग्रंथ है जिसका नाम स्कंध पुराण, वहां पर भी ये भागवत की महिमा वहां पर भी है। पर जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर ठाकुर जी चले गए, चले जाने का बाद मैया जो कुंती थी कृष्ण की बुआ जी, उसने भी ये प्राण को त्याग दी। बोले क्यों? जब कृष्ण ही दुनिया में नहीं रहे फिर मैं रहकर क्या करूंगी? वो शिक्षा देती हैं, तब भी इसी जीवन धारण करना सार्थकता है। अगर ये जीवन में भगवान की अगर भक्ति हो, अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति अगर जीवन में नहीं हो, तो कहते ये जीवन धारण करना नहीं करना ये बराबर है। पांडव लोग भी संसार को त्याग दी, लेकिन जाने से पहले जो वृंदावन धाम का जो राजा एक बज्रनाभ था कृष्ण का पौपुत्र को, वहां पर राज्याभिषेक की, और जो हस्तिनापुर में श्री परीक्षित को उन्होंने राज्याभिषेक करते हुए चले गए। एक दिन श्री परीक्षित महाराज से मिलने, परीक्षित महाराज मिलने के लिए बज्रनाभ से वृंदावन में आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना? बोले सब कुशल मंगल है, लेकिन एक चीज की कमी है, कोई वृंदावन में है ही नहीं। राजा को कब शोभा देता है? जब प्रजाएं हो, लेकिन यहाँ पर तो प्रजा कोई है ही नहीं, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए, उन्होंने पूरा के पूरा वृंदावन धाम को लेकर चले गए, सारे भक्तों को लेकर के चले गए। आप लोगों ने रामायण देखे हो टीवी में? कौन कौन रामायण देखे, हाथ उठा तो टीवी में। आप लोगों देखे होंगे जब भगवान राम गए संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, गए थे कि नहीं? देखे कि नहीं आप लोगों ने? सरजू नदी में इधर स्नान कर रहे हैं, उधर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं, उधर भगवान का धाम से रथ आ रहे हैं, रथ में बैठ करके सबके सब कहां चले गए? भगवान का धाम में चले गए। लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए, किसको छोड़कर गए? हनुमान जी को। क्यों? जगत में ये भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार करने के लिए। उसी तरह जब भगवान गए पूरा के पूरा उन्होंने पूरा गोलोक वृंदावन का सारे भक्तों को लेकर चले गए, ब्रज में कोई है ही नहीं ब्रज में, लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है भगवान की दो तरह का लीला है, एक व्यवहारिक लीला और एक वास्तव लीला। व्यवहारिक मतलब एक साधारण लीला है, ठाकुर जी का एक दिव्य लीला है।
साधारण रूप में तो कृष्ण संसार से गए, लेकिन जो विशेष रूप में विचार करोगे ना, कृष्ण खुद कहते हैं बोले वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, बोले मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूं। हैं, सांडिल्य ऋषि ने वृंदावन की दिव्य कथाओं को सुनाए। आप लोग वृंदावन गए? कौन कौन गए वृंदावन? हाथ उठाओ सबके सब। इतना ही गए हो और कोई गए नहीं वृंदावन? हे भगवान, तुम इतने पास में रह करके वृंदावन ही नहीं गए? आप बताओ कौन वृंदावन जाना चाहते हो? सबका हम ले चलेंगे, एक बार सबको वृंदावन धाम दर्शन करा लेंगे, ठीक है? इसलिए वृंदावन में अगर जाओगे ना, ध्यान से सुना, वहां पर दो वन देखोगे, एक निधु वन है और एक निकुंज वन, दो वन है। आप अगर कभी जाओगे, भाग्य अगर होगा कभी जाओगे, देखोगे वो वन में बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, लेकिन इस शाम होते ही वो बंदर धीरे 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 बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वहां पर दो मंदिर है, मंदिर में ठाकुर जी के लिए वहां पर सुंदर फूल की सज्जा लगता है, लोटे में पानी रख लेते, वहां पर लड्डू रख लेते, लेकिन इस सबर जाकर के देखोगे ऐसे लगेगा मान रात में कोई आए और वो फूल को सज्जा के ऊपर कोई लेट कर गए। कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचेगा हम जोर जबरदस्ती ये वन में रहना चाहते ही, वो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो वो शरीर छोड़ देंगे, वो जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि ठाकुर जी की लीला दर्शन करने का बाद में पर ये शरीर उसकी नहीं रहता है। जिनको विश्वास नहीं है भगवान है कि नहीं, कभी वृंदावन में जाओ, वो दो वन में कोई एक वन में एक रात रुक जाओ, फिर पता चलेगा सचमुच से ठाकुर है क्या नहीं, आपको पूरा की पूरा पता चल जाएगा। हैं, इसलिए अभी भगवान वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी भी ठाकुर जी वहां पर लीला करते हैं, लेकिन अभी भी कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, अभी भी गोपियां पानी भरने के लिए यमुना जाती हैं, अभी भी कृष्ण जब गोचर, अभी भी वहां पर धूल उड़ता है। आपको एक दो कथा सुनाता हूं, ध्यान दे कृष्ण हैं कैसे संतों ने दर्शन किया। वृंदावन में एक संत भजन करने के लिए आए, गुरुजी ने कहा देख बेटा ये जो दो बहन है ना, अभी भी ठाकुर जी लीला करते हैं, तुम रोज अपना प्यार का जो नुपुर जो पायल है उसको उन्होंने छोड़ कर गए। जब वो संत गए सबरे, देखा जंगल को अंदर में चमचमाते हुए सोने की नुपुर है, बोले जंगल में नुपुर कहाँ से आए? तो उन्हें नुपुर को उठाए और अपना गुरुजी को ला करके दिखाए, बोले गुरुजी देखो ये सोने की नुपुर हमें ये जंगल से मिली। लेकिन उनको जो गुरुजी थे ना, वो राधा रानी की एक सखी है, बहुत बड़े संत थे। बोले देख बेटा राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए उन्होंने ये बहाना बनाया, देख ये नुपुर देना नहीं किसको, अगर कोई लेने के लिए आए तो ये बोलना जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए और मैं अपना हाथों से मैं पहना दूंगा, देना नहीं बेटा। जब उन्होंने झाड़ू लगाने के लिए गए, राधा रानी की दो सखी ललिता और विशाखा ये दोनों आई, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी, उनकी चरण के नुपुर कहीं घूम गई, तेरे को क्या मिला है? बोले तो मिला। बोले दे दो। बोले नहीं, गुरुजी ने बताया जिनकी चरण के नुपुर वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों से मैं पहनाऊंगा। गुरुजी बोले देख बेटा परीक्षा होगी, कुछ भी बोल दे देना नहीं। इतने में वो जो दस सखी थी ना, बोले तू संत हो, हमारी घर की बहू है, तू हमारी घर की बहू के प्यार में ये नुपुर कैसे पहनाओगे, तेरे शर्म नहीं लग रहा है, तू कैसे ब्रह्मचारी हो? अच्छा चाहते तो दे दे, नहीं तो हम अपना भैया को बुला कर लाएंगे, फिर अच्छे तरह से तेरी धुलाई करेंगे। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, मेरे गुरु जी का निर्देश है जिनके चरण की नुपुर वो स्वयं आए और मैं अपना हाथों से मैं पहनाऊंगा। लास्ट में राधा रानी बोली उनको ये बोलो ये हमारी घर की बहू है, पहले आंखों में काला पट्टी बांध दे, उसको बाद में फिर आएगी। बोले कोई बात नहीं। तो उनने काला पट्टी बांध दी और राधा रानी स्वयं वहां पर आती है।
और ये जो संत है ना राधा रानी के चरण में उन्होंने नुपुर पहनाए, पहना करके उनके चरण को जोर करके पकड़ कर रखे, बोले हे राधे जब आप यहाँ तक कृपा की है मेरे अंतिम आपका दर्शन भी हमें प्रदान करो। तब राधा रानी तो दर्शन देना चाहती थी, उनका आंखों को ऊपर से काला पट्टी खोलती, फिर उनमें से राधा रानी को उन्होंने दर्शन किया। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए अगर अभी भी अगर कोई सही सही भजन करे ना, ठाकुर जी अभी भी ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देते हैं। देखो और एक घटना सुनो, ये ज्यादा दिन की कथा नहीं, 50-60 साल पहले की कथा है। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम थी किशोरी। किशोरी किसकी नाम है जानते हो? किशोरी किसका नाम है? किसका नाम है किशोरी? राधा रानी को। वृंदावन में सब किशोरी श्री राधा रानी को बोलते हैं। अब उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी पतिव्रता थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। लेकिन इस शादी को कुछ साल को बाद में उसने शरीर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, पति उसको पर बहुत ही आसक्त था क्योंकि बड़ी पतिव्रता नारी थी। अभी पत्नी चले जाने पर ये जो था व्यक्ति अपना पत्नी की चिंता करते 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 पागल हो गया। अभी दिन भर हाँ किशोरी तू कितने अच्छी थी, हाँ किशोरी तू कहाँ चली गई, हाँ किशोरी तू कितने मेरे को प्रेम करती थी, ऐसे करते करते कैसे वो वृंदावन धाम में आ गया। अभी रात भर नींद नहीं, हाँ किशोरी तुम कहाँ, हाँ किशोरी। लेकिन वृंदावन में ठाकुर का नित्य लीला होता है। अभी राधा रानी अपना सखियों के साथ में घूमने लीला करने आई। इतने में वो व्यक्ति तो बोल रहा था किशोरी किशोरी, लेकिन वृंदावन में किशोरी तो श्री राधा रानी को सब जानते हैं। इतने में राधा रानी बोली, ललित देखो कोई मेरा भक्त आया है, देखो ये मेरे नाम को लेकर रो रहा है, मेरे को पुकार रहा है। ललिता बोली, तू चुप रह, तेरे को नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी रूपवती गुणवती परी पतिव्रता थी, वो कम उम्र में उसने शरीर छोड़ दी, इसलिए उसका पति ने पागल होकर के वृंदावन में आया, अपना बीवी को बुला रहे, तेरे को नहीं बुला रहा है। लेकिन वो तो किशोरी किशोरी बोल करके आर्तनाद कर रहा था, किशोरी कहां। देखो अगर दो व्यक्ति का नाम एक ही हो ना, अगर दो व्यक्ति का नाम एक हो, अगर मैं एक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति भी आवाज देगा मेरे को बुला रहेगा। इतने में राधा रानी तो बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, राधा रानी बोली, देखो ये मेरे धाम में आया है और ये मेरे नाम को लेकर के पुकार रहा है, लेकिन ये जो किशोरी नाम है किसकी, ये किशोरी नाम किसकी है। बोले राधा रानी का नाम किशोरी है लेकिन उसको धराया गया, लेकिन ये असली नाम किसकी, मेरी है, अरे मेरे धाम में आकर के मेरे को बुला रहा है, जाओ उसको तुम लेकर के आ जाओ। अभी वो गए और उनको पकड़ करके लाए और राधा रानी उसको ऊपर हाथ रख करके उसको ऊपर कृपा की। पहले तो एक पागल था, लेकिन जब राधा रानी का आशीर्वाद मिला ना, उसने फिर दूसरा पागल हो गया। किस चीज के पागल हो गया? इसलिए बोले कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सारे पागल है ना सब झूठे पागल है। लेकिन ये सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री बांके बिहारी के। अभी उसने दूसरा पागल हो गया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहीं भी ठाकुर गए नहीं। अगर वृंदावन में अगर सही सही उनको कोई पुकारते हैं, सही सही अगर उनको कोई भजन करे ना, ठाकुर जी अभी भी उनको दर्शन देते हैं, अभी भी ठाकुर जी उसको ऊपर में कृपा करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन जो पायल 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 माजो की पायल के घुंघरू राधे जो की पायल के घुंघरू नृत्य करत में बिखर गए, नृत्य करत में बिखर गए साजो की पायल।
Thank you.
कृष्ण के जो महिषियां थी जब कृष्ण चले गए बड़े दुखी है,
लेकिन ये देखा जो कालिंदी मतलब यमुना, ये बड़ी प्रसन्न, बोले देखो कालिंदी तुम भी कृष्ण प्रेय से, हम भी कृष्ण प्रेय से, लेकिन ये कृष्ण जो जगत छोड़कर चले गए, क्या तुमको कृष्ण विरह नहीं है? कृष्ण विरह में क्या तुम दुखी नहीं हो? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले राधा रानी की कृपा से हमें पता है, थोड़ा तेज करो माजी भैया उसमें, राधा रानी की कृपा से हमें पता है कृष्ण कहीं भी वृंदावन छोड़कर गए नहीं, कृष्ण अभी भी वृंदावन में। लेकिन जब श्री राधा रानी की कृपा हो तभी ये बात किसको पता चलता है? हम भी राधा रानी की शरण में जाएंगे। बोले ये रहस्य को कौन जानता है? बोले श्री उद्धव जी, क्योंकि कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी, कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना प्रदान की थी। बोले ये उद्धव जी कहां है? सब गिरिराज की तलहटी में चलते हैं, सबके सब गिरिराज की तलहटी में आए और वहीं पर बड़े सुंदर कृष्ण का कीर्तन किया है। सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब सबके सब कीर्तन की कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जी वहां स्वयं प्रकट हुए। देखो ये जो कथा हो रही ना, ये संपूर्ण विश्व के लोग देख रहे हैं और इसी गांव के भक्त लोग कथा सुन रहे हैं, तो सबके सब बैठ करके आपको भी दर्शन कर रहे हैं। इसलिए जोर से हरिनाम करना, सबको पता चलेगा गांव के भक्त लोग बड़े भक्त है, रविदास के गाँव के भक्त है सबके सब। ठीक है, जोर जोर से नाम करना, कीर्तन करना। अभी उन्होंने जब कीर्तन की, उद्धव जी वहां पर स्वयं प्रकट हुए, तब महेश्वर ने पूछा, हे उद्धव, कृष्ण तुमको ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी, बताओ हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा, मैं यही प्रश्न कृष्ण को किया था, हे कृष्ण तुम ये जब दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अब मैं किसको सहारा लेकर के रहूं? ये कृष्ण स्वयं बताए। बोले हे उद्धव, मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूं, लेकिन एक कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूं। बोले प्रभु, कलियुग में किस रूप में रहोगे? देखो कृष्ण खुद कहते हैं, बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कलियुग में अगर ये कथा को कोई श्रवण करेगा तो ये भागवत कथा सुनना और बांकी बिहारी से मिलना कोई अलग नहीं। आप लोग कथा नहीं सुन रहे, किससे मिल रहे? श्री बांके बिहारी से मिल रहे हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इतने में महेश्वर ने बोला, उद्धव जी फिर तुम हमें ये कथा सुनाओ, ये जो भागवत कथा सर्वप्रथम कौन किसको सुनाए? बोले श्री उद्धव जी, श्री गिरिराज की तलहटी में वहां पर एक कुसुम सरोवर है, जो लोग कभी गिरिराज की परिक्रमा लगाए उनको पता है, वहीं पर हम तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, उद्धव जी उनको 1 महीना तक कथा सुनाए। जब श्रीमद् भागवत कथा विश्राम हो गई, स्वयं ये भागवत से ही कृष्ण स्वयं भागवत ग्रंथ से प्रकट हुए और उन्होंने महेशियों को उन्होंने दर्शन दी और कृष्ण विरह का दुख उनको दूर हुई। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, मेरे गुरुजी मेरे को एक कथा सुनाए थे, उनका गुरुजी बृहस्पति है। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जिस समय ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ठाकुर जी प्रकट किए, ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, विष्णु को बोले तुम्हारी काम पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले ठाकुर जी ये संसार को तो मैं सृष्टि कर सकता हूं, लेकिन ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम, आप बताओ ये रजोगुण से मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले अगर आप 7 दिन तक ये भागवत सुनोगे, ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा और भागवत का प्रभाव से सृष्टि का काम कर सकते हो। इतने में भगवान विष्णु आए, देखो ध्यान देकर सुनो,
देखो ये कथा की कितने प्रभाव है ये मत समझो, कथा को केवल हम ही सुनते हैं, जिस कथा को ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुनते हैं और जिसकी प्रभाव से जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। इतने में विष्णु आए, बोले प्रभु दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूं लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। ठाकुर बांके बिहारी बोले आप कथा सुनो और सुनाओ। इसलिए जब श्री विष्णु स्वयं कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितने दिन में कथा को पूरी करती है, बोले एक महीना लग जाती है। फिर जब माता लक्ष्मी कथा करती है नारायण भी बैठ करके सुनते हैं। लक्ष्मी कितने दिन में पूरी करती है, बोले दो महीना। इसलिए नारायण की कथा में जितने मिठास है उससे ज्यादा मधुर है कहते माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है। इतने में स्वयं शंकर जी आए, बोले प्रभु ये संघार का काम, रजगुण तमगुण का काम, ये तमगुण से मेरी मुक्ति कैसे होगी, बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं एक साल तक कथा को सुंदर रूप में सुनाते हैं, क्योंकि शंकर जी कौन है, बोले ये वैष्णव नाम यथा संभो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा। जब ये कथा करते हैं ना बहुत सुंदर कथा करते हैं, एक साल तक व्याख्या करते हुए सुनाते हैं। अभी माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर भी सुनते हैं। पार्वती कितने दिन में कथा पूरी करती है, बोले दो साल। कितने? क्योंकि जो माता पार्वती ये माता वैष्णवी है, इनका कि वैष्णवी स्वरूप है ना, माता जी भी गले में तुलसी कंठी पहनती है। इसलिए देखो ये मत समझो कि बोलो पुरुष लोग ही कथा सुना सकते हैं, माताएं कथा नहीं सुना सकती। देखो यहाँ पर संख्या किसकी ज्यादा, देखो तो, अरे बोलो संख्या किसकी ज्यादा है, माताओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर जितने सुंदर नारायण सुनाते उससे ज्यादा सुंदर सुनाते हैं लक्ष्मी। इसलिए शंकर जी जितने सुंदर सुनाते उससे ज्यादा सुंदर कथा सुनाती कौन है, माता वैष्णवी देवी। इसका मतलब है आप लोग भी कथा को ध्यान से सुना, आप लोग भी अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी भगवान की कथा सुनाना, ठीक है। इसलिए ये भागवत कथा की प्रभाव से ये दुनिया में सृष्टि स्थिति और प्रलय दुनिया भागवत कथा से प्रभाव से होता है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। अभी यहाँ पर बोले भैया कथा कैसे सुननी चाहिए, ध्यान देकर सुनो। इसलिए श्रोता बोले दो तरह के, कितने तरह के, कल मैं पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को उत्तर दे सकता है। मैं आज सुनाऊंगा, कल भैया लोग कॉपी पेन लेकर के आए कि नहीं, नहीं लाए। इसलिए हाँ अभी मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना कल मेरे को बोलना। श्रोता कैसे होनी चाहिए, बोले श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, एक है श्रेष्ठ श्रोता अच्छे श्रोता और एक है घटिया श्रोता साधारण श्रोता। इसलिए जो श्रेष्ठ श्रोता है चार तरह के, कितने तरह के, चार तरह के। पहला नंबर बोले हंस, अब हंस को दूध दो देखना, हंस वो दूध दूध को तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। बोले वे अच्छे श्रोता है जीवन में जो अच्छे अच्छे चीज को ग्रहण करे और बुरे बुरे चीज को जो त्याग देते, ये अच्छे श्रोता है, हैं? इसलिए दूसरा नंबर है मछली, अब कभी मछली को देखना उसका जो आंखों के जो पलक है ना कभी नहीं झपती है। मछली हर समय ये खीर समुद्र में पलक को आंख को खुली रखती है, बोले खुली आंखों से हर समय ये दूध को पान करता है। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता है वो अपलक नयन की, मतलब टकटक लगाकर मछली जैसे आंख को बंद नहीं करती है, जो अच्छे श्रोता है ये क्या करती है, ये पूरा टकटक लगा करके कथा की एक बात चूक नहीं जाए पूरे पूरे रूप में कथा रस को जो पान करते हैं, ये कौन है, ये मछली। तीसरा नंबर है चातक, ये एक चिड़िया है, ये कभी किसी नदी का पानी तालाब का पानी कभी नहीं पिएगा, वो पीता है स्वाधीन नक्षत्र का पानी, जब बरसात होना तभी वो पानी को पिएगा नहीं तो पानी नहीं पिएगा। इसलिए वो हर समय वो पक्षी प्यासा हम मेरे को पानी पानी बोलकर चिल्लाते रहता है पक्षी। इसका मतलब क्या है भैया, कथा सुनेंगे तो किसकी कथा सुनेंगे, ठाकुर जी की कथा सुनेंगे।
भगवान की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं बैठ करके उसकी बहू की बुराई हो रही है, उसकी बेटी की बुराई हो रही है, परिवार की ऐसे हो गया, छोरा छोरी को ले गया, छोरी छोरे को, ये सब बात जो नहीं सुनते हैं। किस बात सुनते हैं, किस चीज की? ठाकुर जी की जो बात सुने, इधर उधर का बात जो सुने नहीं। इसलिए ये हो गया चातर। चौथा नंबर है तोता। ये तोते में एक विशेष गुण, क्या गुण है? वो किसी कच्चा फल में कभी थोंट नहीं मारेगा, चोंच नहीं मारेगा। उसको पता है कौन सा फल पक्का और कौन सा फल कच्चा, उसको पता है, हैं? वो केवल पक्का हुआ फल में ही चोंच मारेगा। मतलब क्या भैया? मुंह जहां था नहीं मारनी चाहिए, मुंह जहां था मत मारा करो। जिसकी चुगली फुगली दुनिया की बात हो वहां पर मुंह मारने लग जाते नहीं। कहां पर बैठो? बैठो कहां पर? जहां पर भगवान की कथा हो, जहां पर हरि चर्चा, वहीं पर मुंह मारो। दुनिया इधर उधर की बात में मुंह नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। पंचवा नंबर भी एक श्रोता है मधुमक्खी। एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। अब बताओ तो मक्खी कहाँ बैठता है? बोलो। जैसे सुंदर एक बाग है जहां सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ, अगर कोई मक्खी जाएगा तो कहां पर बैठेगा? फूल में बैठेगा? नहीं बैठेगा। देखिए जहां पर गंदा चीज पड़ा हुआ है ना, जब गंदी चीज वहीं पर जाकर के मक्खी जाकर के वहीं बैठेगा। लेकिन जहां गंदा गंदा, लेकिन एक कोई फूल खिला हुआ है, अब बताओ मधुमक्खी जाकर कहां बैठेगा? कहां बैठेगा? फूल में बैठेगा। इसलिए ये श्रोता भी दो तरह के, एक एक मक्खी भी और एक मधुमक्खी। मधुमक्खी जैसे कांटा की वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके वो शहद को संग्रह करके सुंदर एक मधुमक्खी की छता बना देता है, जिससे ठाकुर जी की सेवा में जो लगती है। इसलिए हमें मक्खी गंदी चीज में मुंह नहीं मार करके काम मारो ठाकुर जी की कथा में। कहां बैठो? फूल में बैठो, ठाकुर जी की कथा। इसलिए ये हो गया तो पांच तरह के अच्छे श्रोता। चार ही तरह के घटिया श्रोता है। पहला नंबर माता है, ध्यान देकर सुनो जो बैठे हो, मैं पूछूंगा। देखो एक होता है भेड़िया। भेड़िया जानते हो, छोटा जाति की बाघ होता है। वो कब हिरण के ऊपर में आक्रमण करता है? जब कोई हिरण कोई सुलीली शब्द को सुन करके, जब कोई सुलीली शब्द को सुन करके हिरण उसी में मुग्ध हो जाता है, वो भेड़िया उसको ऊपर आक्रमण करता है। ध्यान देकर सुनो, सुनाता है। कहते ऐसे कुछ श्रोता हैं जो बैठ कर कथा तो सुनते नहीं, लेकिन जो पास में बैठा उसको भी सुनने नहीं देंगे, बिना कारण के कारण बात करते रहेंगे। तुम्हारे घर में क्या बना था, तुमने सुनी हो क्या हो रहा था? इसको कहते भेड़िया हैं। भेड़िया क्या करता है? हिरण जब सुल्ली शब्द को सुनता है, जब कोई अच्छे मन से कथा सुने, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो सुनते भी नहीं, पास में सुनने वाले व्यक्ति को सुनने नहीं दो, भेड़िया। दूसरा नंबर है भुरुन। कहते एक चिड़िया ये रहता है कैलाश पर्वत ऊपर में। इसका जो नेचर है सुन भी लेगा सुना भी देगा, जो सुनेगा सुना भी देगा, लेकिन वो करते समय एक अक्षर भी अपना जीवन में नहीं करेगा। सुनेगा सुनाएगा लेकिन करते समय ना सारे शब्द उल्टा पुल्टा करेगा, इसको कहते हैं भेड़िया हैं। और जो तीसरा नंबर है बैल। घर घर में तो गई आपको पता बैल। अब बैल को भूसा दे दो नहीं तो सुंदर सुंदर फल दे दो, देखना उसमें कोई फर्क नहीं मानता है, वो दोनों को ही बराबर मानता है। भूसा जैसे सुंदर सुंदर फल भी वैसे। मतलब कथा हो नहीं तो दुनिया की माया की कथा हो, इधर उधर कथा हो, दोनों को जो बराबर मानते हैं हैं, उसमें कोई फर्क नहीं मानते हैं। बैठ करके भले ही दुनिया की बुराई करने में लग जाए उसको भी फर्क नहीं मानते। जैसे कृष्ण की कथा और ठाकुर की कथा दोनों में जो फर्क नहीं मानते इसको कहते हैं भेड़िया। क्या कहते हैं उसको? बैल। और जो चौथा नंबर है ऊंट। कौन है? अब ऊंट देखे हो? कौन कौन ऊंट देखे? सब देखे हो ऊंट? आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया कोई आम की पता दो वो खाएगा। क्या खाता है? बबलू का पेड़। कहां कांटा है? जब कांटा की वृक्ष खाए ना उसको मुंह से खून निकलता है, वो खून को पीता है, सोचता है कांटा में पता नहीं कितने स्वाद है। मतलब है
जो भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को नहीं सुन करके, जिसमें केवल कांटा ही कांटा, जिसमें हाँ दुनियादारी की कथा जहां पर वहीं पर बैठ कर कथा सुनेगा, लेकिन भगवान की सुंदर सुंदर कथा हम लोग नहीं सुनते हैं, वो कौन हो गए? वो ऊंट हो गए। इसलिए हमें ऊंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। भगवान की कथा जहां पर हो वहीं पर बैठो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। क्या ये चार तरह का घटिया श्रद्धा होगी, याद रहेगा आप लोगों को? कल मैं पूछूंगा, देखूंगा किसको याद है, ठीक है। जिसको जो बोल देगा ना, मैं उसको इनाम दूंगा, ठीक है। अब मैंने बताया चार तरह का अच्छे श्रोता, बताओ तो चार तरह के अच्छे श्रोता में एक श्रोता का नाम बताओ, कौन बोलेगा? बोलो कौन बोलेगा? हाँ मधुमक्खी। और एक बोलो? मछली। और एक बोलो? हाँ। और एक बोलो? हाँ अच्छी बात। ये बच्चों के लिए ताली बजाओ कि बच्चों ने उत्तर दिया है, अच्छी बात है। इसलिए हाँ कल घटिया श्रोता के बारे में पूछूंगा। इसलिए ये जो कथा चार तरह के कथा है, कितने तरह के? एक सात्वी, एक राजसिक, एक तामसिक और एक निर्गुण। इसको भी अच्छे तरह से बोले बोले सात्वी की कथा किसको कहते हैं? बोले जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुने ठाकुर जी की, जैसे यहाँ पर कथा हो रही कथा तो सुनेंगे, लेकिन जब कथा खत्म हो जाए ना खुद भी खत्म हो जाए, फिर भक्ति भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं रहे, इसको कहते हैं सात्वी। कहते राजस की कथा किसको कहते हैं? बोले कथा तो बहुत अच्छे तरह से आयोजन किया, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया, आओ हमारी कथा हो रही है, कथा कथा होगी, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन खुद कथा में नहीं बैठे, खुद कथा में नहीं बैठे, जे केवल व्यवस्था व्यवस्था में ही लग जाए, लेकिन जो कथा खुद नहीं सुनता है, कहते राजेश की कथा ये भी सही कथा नहीं है। इसलिए नियम है खुद बैठ करके ध्यान से कथाओं को श्रवण करनी चाहिए, है, इसलिए इसको कहते सही कथा है। और जो तीसरा नंबर है तामसी, जैसे सात दिन तक कथा होगी, इच्छा हो तो बैठ गए, इच्छा नहीं हुआ तो चक्कर घूम घाम कर फिर आ गए, नहीं तो कथा जब हुई बीच में आकर बैठ गए, नहीं तो लास्ट में कथा आए, किसी तरह से सात दिन जैसे तैसे बिता देना, इसको कहते तामसी कथा, ये सही कथा नहीं है। लेकिन निर्गुण कथा किसको कहते, सही कथा किसको कहते हैं? कहते सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रय। सही कथा है जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दे, अपना जीवन कही रोज नियम करके गीता हो, नहीं तो भागवत हो, नहीं तो रामायण हो, कोई भक्ति ग्रंथ को जो रोज नियम करके पढ़े, नियम करके कथा को जो सुने, देखो ध्यान देकर सुनो, बीच में बैठी कर तो बेटी बात करती, तुम दोनों अलग हो जाओ, सब देखो मैं सामने बैठा हूँ, सब दुनिया को देख रहा हूँ, नहीं तो बीच में खड़े कर दूंगा अगर बात करोगे तो। इसलिए ध्यान से सुना, किसने आकर के मेरे गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे देखो अच्छे तरह से चीज को लेकर जाओ, बोले बच्चे बात नहीं सुनते हैं, हमारे जी बड़ी गुरु जी बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जब तुम स्वयं रामायण नहीं पढ़ते हो, बच्चे को भी कभी रामायण पढ़ने तुमने बताया नहीं, फिर बेटा सेवा कैसे करेगा? कहां पर बताए पिता माता की सेवा करनी चाहिए, कहां पर बताए? ये रामायण कहता है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे? पिता माता की पहले चरण छूते थे। रामायण आप देखे हो? कौन कौन रामायण देखे? आप देखना जब दशरथ महाराज शयन करते ही स्वयं राम जाकर के पिताजी के चरण की सेवा करते थे। भगवान कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। क्यों गए थे? हाँ पिताजी की आदेश को पालन करने के लिए। तब भी दशरथ महाराज मना कर रहे थे, रामायण देखे होंगे, नहीं बेटा तुम मत जाओ, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, हैं? इसलिए रामायण हमें सिखाता है पिता माता की सेवा करनी चाहिए।
किसकी आदेश को पालन करने के लिए? अपना पिताजी की नहीं, विमाता कैकेयी की आदेश पालन करने के लिए भगवान 14 साल के लिए वनवास गए। अभी किसी बेटे को बोले तो 14 दिन के लिए पिता माता की सेवा व पिता माता की आदेश को पालन करने के लिए 14 दिन जा, बोलो तुम्हारी बेटा कोई जाएगा? वो हनीमून बनाने के लिए तो जा सकता है 14 दिन के लिए, लेकिन पिताजी के आदेश पालन करने के लिए कहीं नहीं जाएगा। देखो इस चीज को सीखा लो, कारण क्या है? हम रामायण नहीं पढ़ते। बच्चे को स्मार्टफोन पकड़ा के 10-20 हजार ले तो स्मार्टफोन, पबजी देखते रहे जिंदगी भर, लेकिन हम बेटे को कभी बोलेंगे नहीं बेटा तू रामायण पढ़, खुद पिता माता पढ़ते नहीं। देखो पहला संस्कार कहां से पढ़ती है? माँ से। किससे पढ़ती है? माँ से, पहला गुरु माँ, उसके बाद में पिताजी है। अगर पिता माता भक्ति करेंगे तभी तो बच्चे भजन करेंगे। खुद पिता माता दिन भर स्मार्टफोन लेकर पढ़ेंगे, दिन भर टीवी खोल कर देख रहे हैं, बच्चे तुमसे क्या सीखे होंगे? अगर आप अगर हरिनाम करोगे भजन करोगे तब तो बच्चे आपसे तभी तो सीखेंगे ना, सीखेंगे कहाँ से? पहला गुरु तो पिता माता है, संस्कार सबसे पहले पिता माता की, बच्चों को पर पिता माता के संस्कार पढ़ती हैं। अगर हम भी भगवान की भजन करें तो बच्चे भी भगवान की भजन करेंगे। इसलिए क्या करो? रामायण पढ़ो। इसलिए मुसलमान धर्म में देखो, मैंने जयपुर कथा करने गया था, जब वापस आ रहा था देखा 10 साल का के बच्चा पतंग उड़ा रहा था। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? अभी उसने एक नाम बोला, मेरे को पता चला ये मुसलमान है। मैंने कहा भैया कुरान तेरे को आता है? 10 साल का बच्चा वो छाती फुला कर मेरे को कुरान आती है। बोले बोलो, झटा झट कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है? कल कंपलसरी जब बच्चे को 2 साल हो जाए उसको कंपलसरी उसको कुरान पढ़ाते हैं। किसी मुसलमान बच्चों का पूछो जो कुरान आता है कि नहीं, झड़ा झड़ा बोलेगा। आप जितने बैठे हो किसको बोले गीता का कोई श्लोक बोले? सारी हीरोइन हीरो हीरोइन का बात याद था, रहा जितने प्लेयर का नाम याद होगा, जितने अंटस अंट सब याद करके बैठे होंगे। कोई हमारे रामायण क्यों, हमारे धर्म की इतने हानि क्यों हो रही है हिंदुओं की? कारण क्या है? हम नालायक सबके सब, कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, सारी गंदे गंदे चीज को याद करके बैठे हुए। कोई हमारी गीता रामायण में कोई हमारी मत, तभी तो हमारे धर्म धीरे धीरे नीचे क्यों जा रहे हैं? ये हिंदू लोग क्यों मुसलमान धीरे धीरे बनते जा रहे? कारण यही है, हम कोई संस्कार नहीं देते हैं बच्चों में, खुद संस्कार नहीं और बच्चों को भी संस्कार में हम नहीं डालते, तभी तो हम नीचे जा रहे हैं। इसलिए क्या करो? हरिनाम करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बच्चों को अंदर में ये संस्कार डालो। अपना बच्चे को बोलो थोड़ी रामायण पढ़े, गीता का कोई श्लोक याद करे, खुद भी करो और बच्चों के अंदर में भी ये संस्कार डालो, ठीक है ना? जिस घर में भगवान की भजन भक्ति पूजा हो ना, वही घर ही वृंदावन है। अगर घर के सारे बच्चे प्रभु का भजन करे भक्ति करे गलत काम में नहीं करे, फिर तो वही पे वृंदावन धाम तो वही हो गया ना, ठीक है ना? अब क्या करो? घर घर को वृंदावन धाम बनाओ, घर घर को भगवान की मंदिर बनाओ सबके सब, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ एक भजन सुन लो, लगन तुमसे लगाओ बैठे, लगन हरि से Oh,
का कीर्तन हुआ करे। कीर्तन का नियम होता है दोनों हाथ उठा के ताली सेवा किया करें, यदि और ज्यादा भाव बने तो खड़े होकर नृत्य भी कर लिया करें, लेकिन हाथ पे हाथ रख के कोई नहीं बैठा करें। इधर सुना, ठाकुर का भजन में जो नृत्य करता है इसका बड़ा पुण्य है, ये पद्म पुराणी कथा ध्यान से देख सुना। बोले एक समय ये कार्तिक का महीना था, किसी भक्त ने भगवान के मंदिर में दिया जलाया, अभी वो दिया धीरे धीरे बुझने जा रही थी, एक चूहा ने वो तेल पीने के लिए आ गया। जब वो चूहा तेल पी रहा था, वो दिया बुझने जा रही थी, उसको दांत में दिया लगते ही वो पीछे हटा, पीछे हटते ही वो दिया जो बुझने जा रही थी हो गया तेज, चूंकि उसको मुंह में लग गया थोड़ी आग, उसने दो चार बार ठाकुर के सामने छलांग लगा दी। देखो बांके बिहारी कितने दयालु, देखो बोले ये कार्तिक का महीना था और ये दिया बुझने जा रही थी, और चूहा ने क्या किया, दिया को तेज कर दिया, मतलब मेरे सामने उसने दिया जला करके मेरे को आरती की, और उसने दो चार बार छलांग लगा दी। छलांग लगाना मतलब क्या है, नाचना। बोले मानो उसने मेरे को कार्तिक महीना में मेरे को आरती उतारते हुए मेरे सामने उसने नृत्य किया। इसका फल क्या हुआ, पद्म पुराणी कथा है, उसका फल ये हुआ अगले जीवन में वो चूहा ने जब शरीर छोड़ा है ना, राजकुमारी बन करके राजा घर में जन्म लिया, उसने बड़ी सुंदरी बनकर के जन्म हुई, और ठाकुर जी की भक्ति की प्रेम की, और ठाकुर जी उसको अपना धाम में गोलोक वृंदावन में उसको अपना पटरानी बना दिया। अगर एक चूहा अगर दो चार बार छलांग लगाए, अगर वो ठाकुर की पटरानी बनकर के गोलोक वृंदावन प्राप्ति करे, अगर कोई भगवान की दरबार में भाव से नृत्य करे, तो देखना बताओ जगत में कौन नहीं नाच रहा है। बोलो कोई पति को सामने नाचता है, कोई पत्नी को सामने, कोई बेटे का सामने नाचते हैं, कोई पैसा को सामने नाच रहे हैं, बताओ जगत में कौन नहीं नाच रहा है, बताओ। ये दुनिया नाच रहे सबके सब, लेकिन कब तक ये 84 जनी लखों जनी में नाचेंगे, जब तक ठाकुर के दरबार में नहीं नाच लेते हो। लेकिन एक बार उसको सामने नाच लो ना, सारे नाचना तुम्हारी खत्म, बस एक केवल ठाकुर के सामने नाचोगे। इसलिए नाचने का बड़ा पुण्य है ठाकुर का दरबार में। इसलिए अक्सर करके हम जहाँ जाते हैं ना, वो पंजाबी लोग इतने नाचते जो सोच नहीं सकते, राजस्थान में चले गए कीर्तन शुरू होती नाचना शुरू हो जाती है, उनको बोलने का जरूरत नहीं, कहीं भी जाते हैं ना वो कीर्तन होते सब नाचना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शर्म की बात नहीं, शर्म तो करनी चाहिए गंदी चीज में, अच्छी चीज में थोड़ी शर्म करनी चाहिए। इसलिए सबके सब प्रेम से नाचो गाओ और खूब आनंद लो भगवान की कीर्तन में, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बोलो। अरे मन बस गयो नंदी की सो, अभी जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो I'm gonna make you mine.
We'll be right back.
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोले जन्मादस्य जतोन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हिदायो आदि कवये मुह्यन्ति जत सुरयो तेजो वारी मृदम यथ विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों को वंदना करते हैं। बोले जो परम सत्य परम ब्रह्म भगवान श्री बांके बिहारी को हम प्रणाम करते हैं। तब कहते हैं कि अकेला कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोले नहीं, अकेले नहीं, अकेला कृष्ण की पूजा नहीं होता है, पूजा करनी चाहिए राधा रानी को साथ में पूजा करनी चाहिए हैं। कहते राधा जी के बगैर कृष्ण आधा है। बोले राधा कृष्ण तत्व तो दो नहीं, बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है वह सब। बोले एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूप, वो एक ही है लेकिन ये लीला विलास करने के लिए उन्होंने दो रूप में प्रकट हुए, राधा और कृष्ण रूप में प्रकट हुए। इसलिए वृंदावन में जाओ तो देखना कोई भी बांके बिहारी का नाम नहीं लेता है। किसका नाम लेते हैं? अरे जोर से बोलो, और जोर से, हाँ सबके सब श्री राधा रानी का नाम। बोले क्यों? कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते? राधे राधे क्यों कहते हैं? ये कृष्ण खुद कहते हैं, बोले राज शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम। कृष्ण खुद कहते हैं अगर कोई रा बोल दिया ना, केवल एक अक्षर दो अभी बोला नहीं, एक अक्षर बोला रा, कृष्ण बोलते हैं सुन करके मैं तो चिंता में बढ़ जाता हूँ, भैया इसको मैं क्या दूं, मेरी राधा रानी का रा अक्षर उच्चारण किया। कृष्ण कहते हैं मैं अपनी आप को अपना भक्ति दे देता हूँ, अगर कोई धा बोल देना ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं भी उसको पीछे 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 घूमता रहता हूँ, उसको पीछे पीछे भागता हूँ। इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो अकेला कृष्ण पूजा करते वो अज्ञानी है। इसलिए भैया राधा रानी के बगैर कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए एक संत कहते हैं
अगर कोई कृष्ण को पाना चाहते हो पहले तीन चीज को ठीक कर लो, फिर कृष्ण मिलेगा। नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। तीन चीज को पहले ठीक कर लो। बोलो तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा अपदाम भोजरे। पहला चीज है जब तक कि राधा रानी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करते। दूसरी चीज क्या है? राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं लोगे। और तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, राधा रानी की प्रेम रस भक्ति में जो संत सरावर हुए हैं ऐसे संतों को जब तक आश्रय नहीं करोगे तब तक भैया कृष्ण मिलने वाले तुम्हें नहीं। इसलिए पहला श्लोक में श्री जुगल सरकार की स्मरण करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। बोले भैया ये कृष्ण कौन है? बोले जन्मादस्य जत। बोले जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय जिनसे ये ब्रह्मा जी जिनके आदेश पर जगत को सृष्टि करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं और विष्णु जगत को पालन करते हैं, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिनकी माया ऐसे हैं, बड़े बड़े देवता लोग जिनकी माया में मुक्त हो जाते हैं, हम आगे सुनेंगे जिनकी माया से इंद्र स्वयं मोहित हो गए, ब्रज में बारी बरसन करना चाहा लेकिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया। बोले गिरिराज महाराज की। इंद्र भी जिनके चरण में माफी मांगे, ब्रह्मा भी जिनकी बछड़े सखाओं को चोरी किया, बाद में जब पता चला भगवान, पता नहीं ब्रह्मा जी को भी कितना नाक रगड़ना पड़ गया। इसलिए जिनकी माया में बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित तो हो जाते हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण राधा रानी हम सबके सब उनके चरण में प्रणाम करते हैं। भागवत का जो दूसरा मंगलाचरण है कहते भागवत का प्रतिज्ञा है। भागवत क्या प्रतिज्ञा लेता है? देखो कथा की कितने महिमा, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, अभी घर में तुम बैठे हो, अभी कथा में नहीं आए लेकिन घर में बैठे हो, पता चला यहाँ पर कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी सी इच्छा हो गई हम कथा सुनने जाएंगे, नहीं तो जाऊंगा, इतनी इच्छा हो गई, नहीं तो इतनी सी बात कोई बोल दे बोले बहन तू कथा सुनने चले, घर का काम काज मैं देख लेती, अगर इतना कोई अगर बोल दिया ना बोले उसकी हृदय में ठाकुर जी आकर के ऐसे बैठ जाते हैं मानो जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में घुसे और अपने आप को अंदर से कुंडी बंद कर दे, ऐसे ही ठाकुर जी उसके हृदय में बैठ जाते बंद जाते हैं, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलती है। अगर केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र रख ले, कहते अगर सचमुच से कोई आकर कथा में बैठ जाए तो बोले उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोले सद्य हृदय अवरुद्ध अत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणा। केवल सुनने का इच्छा मात्र से ही अगर कोई कथा हो रही है बोले श्रुत, अगर कोई कथा सुने उनका तो कल्याण है ही है, बोले अनुपठित अगर कोई पढ़े उसका भी कल्याण, अगर ये भी नहीं हो कथा कहीं हो रही है अगर किसी ने अनुमोदन कर दिया कथा बहुत अच्छी बात, भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी चीज है, कथा होनी चाहिए। अगर कोई इतनी सी बात बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सद्य हृदय अवरुद्ध थे वा, वो क्या होता है समस्त पाप से मुक्त होकर के क्या होता है भगवत गति को प्राप्त करता है, वो देव द्रोह विश्व द्रोह क्यों नहीं किया हो उसी समय से ही वो मुक्त हो जाते हैं, इतने कथा की महत्व। इसलिए भागवत की प्रतिज्ञा है। कहते भागवत जो हम श्रवण कर रहे हैं बोले कहां पर बैठे हो? बोले कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। कहां पर बैठे हो? बोलो कहां पर बैठे हो? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब क्या? जो मांगोगे वही मिलेगा, इसलिए कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हो। लेकिन एक चीज सावधान कर रहे हैं, अच्छा तरह से सुनो, भागवत से जो मांगोगे तो वही देगा, लेकिन भागवत से छोटे मोटे चीज मत मांगो, छोटी मोटी चीज मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज पाने पर इसी संसार में तो खुशी रहोगे उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, ठाकुर के चरण में स्थान होगा। इसलिए अगर ये दुनियादारी चीज मांग लिया ना, स्त्री पुत्र परिवार बेटा नहीं हो, बेटा हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, ये तो भागवत अपने आप दे देगा, मांगने का जरूरत नहीं।
लेकिन उनसे एक चीज मांगो, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, भगवान की सेवा मांग लो भागवत से। अगर ठाकुर जी मिल गए ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? हाथ उठाओ तो देखो, हनुमान जी सीख लो। जब माता सीता को उद्धार करके लाए, भगवान राम हनुमान से इतने प्रसन्न हो गए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता तो सीता जी को उद्धार होना बड़ा कठिन था। आज तेरे ऊपर में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज तू जो कुछ मांगोगे ना, मैं सो कुछ दूंगा, जी भर कर तेरे से मांग लो मेरे से। देख हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार 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 मांगो हरसी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले हे प्रभु, आपके चरण में बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, मेरी चरण की सेवा दो, तुम्हारी सत्संग दो और अनुपायनी निष्काम भक्ति दो आपकी चरण। देखो हनुमान को क्या नहीं मिला, बताओ हनुमान को क्या नहीं मिला? ठाकुर जी मिल गए। रामायण देखे होंगे, जब भगवान राम हनुमान जी के सर पर ऐसे हाथ रखे ना, अब रामायण देखे होंगे, कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाए, क्योंकि शंकर ही हनुमान बन करके आए। वहां पर शंकर जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, पार्वती को कह रहे, देखो पार्वती ठाकुर जी मेरे को भक्ति प्रदान कर रहे हैं, मेरे को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए भैया, भक्ति से बड़ी चीज जगत में कुछ और नहीं। अगर ठाकुर जी अगर तुम्हें मिल गया तो सब मिल गया तुम्हें ना, सारा दुनिया तो मिल गया तुमको। इसलिए ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक अंधा था, वो अंधा शंकर जी की पूजा की, शंकर जी खुश हो गए, बोले बेटा वर मांगो। बोले भोले बाबा मेरे को 3 वर चाहिए। बोले क्या है? बोले पहला वर है मेरी जो आंख नहीं, मेरे को अंधा मेरे आंख मिल जाए। बोले दूसरा वर क्या? बोले कुछ पैसा हमें मिल जाए। बोले तीसरा, बोले किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। शंकर जी बोले देखो, जो कुछ मांगना एक बार से मांग सकते हो, मैं 2 बार नहीं 3 नहीं सकता, एक बार ही मेरे से मांगना पड़ेगा तेरे को जो कुछ मांगना। लेकिन वो अंधा बड़ा चतुर था, बोले एक बार तो? बोले हाँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले मैं अपना बेटे को राज महल के ऊपर में हाथी के पीठी के ऊपर बैठे हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए। शंकर जी बोले बड़ा चालाक है। अब राजमहल के ऊपर में कौन कौन रहता है? राजमहल में राजा रानी रहते हैं। हाथी के ऊपर में कौन बैठता? राजा रानी भी बैठते हैं। सोने के कटोरी में कौन खाएगा? वो भी राजा रानी। कहते मैं देखूं बेटे को, देखूं बेटा कब होगा, जब शादी होगा देखेगा कब, जो हाथ मिल जाए। उन्हें सब कुछ मांग लिया कि नहीं? शंकर जी बोले बड़ा चालाक है, एक बार तो मांगा लेकिन सब कुछ, उसने सब कुछ मांग लिया। उसी तरह जब हम ठाकुर जी से भक्ति मांग लिया ना, ठाकुर ही तुम्हारी बन गए, भगवान ही तुम्हारी बन गए। जब ठाकुर जी तुम्हारी हो गए, सब कुछ तुमको तो मिल गया। इसलिए ये जो भागवत नहीं, ये कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो, ये भागवत से जो मांगोगे ना, भागवत में वही दे देगा। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसलिए बोले ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। बोले ये भागवत, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ ये फल है। एक तो पका हुआ फल है, उसने फिर सुख मुखात, जब श्री सुखदेव गोस्वामी की मुंह से वो कथा निकली, फिर उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गया है। उसमें ज्यादा मिठास आ गया। इसलिए बोले भैया, ज्यादा मिठास क्यों आ गया? कहते जो सुखदेव गोस्वामी, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं। बोले प्रिया सुखश्री वृषभानुजाया, कहते राधा रानी की ये प्रिय तोता है, मतलब ये राधा जी की एक सखी है। जब राधा रानी की सखी के मुंह से कथा निकलेगी, भैया ये तो सुंदर सुंदर होएगा ही है। इसलिए क्या करो, उसको खूब पियो, कथा को क्या करो, उसको पियो। बोले आप पहले बताया, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। आप लोग बताओ तो, फल को खाते हो ना, फल को पीते हो? अरे जोर से बोलो, खाते हो पीते नहीं? लेकिन यहाँ पर कह रहे पियो। बोले ये ऐसे के फल है ना,
जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें रसी रस है। आप बताओ, जो कोई चीज को आप पीते हो, किधर से पीते हो? बोलो। मुंह से ना, किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पान करते हो, किधर से पी रहे हो? अरे बोलो, किधर से पी रहे हो? कान से पी रहे हो। बोले ये भागवत कथा ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है? जिसको कान से पी जाती है। देखो, मुंह से और कानों से पीने का क्या फर्क है? कोई भी चीज अगर आप मुंह से पियोगे ना, आप अंदर में रख ही नहीं सकते, वो निकलेगा, किधर से निकलेगा। लेकिन कोई चीज अगर कानों से पियोगे निकलेगा? अरे बोले, निकलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं ये रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पियो? कानों से पियो। बोले भैया, पीते थे हो, सब निकल जाती है, रहता ही नहीं, क्योंकि छेदी छेद हमारी अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसमें छेदी छेद है, इसलिए वो टिकता नहीं। एक तरफ पे पियो और दूसरे तरफ से वो निकल जाते, फिर क्या करो? बोले अगर हर समय है, अगर हर समय ये कथा रस को हम पीते रहेंगे ना, भैया तुम्हारी अंदर में जितने छेद क्यों हो, वो छेद से तुम्हारे निकलने वाले नहीं। देखो, आपसे एक प्रश्न करता हूं, देखता हूं ये प्रश्न का कौन उत्तर देगा। जो उत्तर देगा ना, मैं उसको इनाम दूंगा। ध्यान से सुनो, चुपचाप बैठ जाओ, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो, देखता हूं कौन उत्तर दे पाता है। देखो, एक कलसी है, वो कलसी में छेद ही छेद है, लेकिन अगर कोई चीज डालोगे तो क्या होगा? निकल जाएगी। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, लेकिन कलसी में जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें कोई चीज डालोगे ना, निकलेगा नहीं। लेकिन जितने छेद क्यों नहीं हो, निकलेगा नहीं, बताओ तो ऐसे क्या उपाय है? छेद रहेगा लेकिन उसमें पानी नहीं निकलेगी, क्या बोलो? क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो ना। हाँ, सही बोल रहे हैं। और कोई बोल सकता है माता जी सही उत्तर दिया, लेकिन इसका उत्तर कोई नहीं समझ पाए। आप बताओ कौन उत्तर देगा? उसमें जितने भले ही छेद क्यों नहीं हो, अगर उसमें डालोगे एक बूंद भी निकलेगा नहीं, बताओ क्या उपाय? कौन बोल सकता है? ज्ञान का प्रकाश। क्या बोलो तुम? और तुमको किसने बोला? बीच में कुछ पता है ना? नहीं बोलनी चाहिए, नहीं, इसलिए इसलिए। और कोई बोल सकता है? हाँ, देखो एक चीज को अच्छा तरह से समझो, जैसे भले ही इसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, अगर उसको पानी में डुबो करके रख लोगे तो भले ही उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, वो पानी निकलेगा। अगर किसी पानी पात्र में अगर कलश को डुबो करके रख लोगे, फिर उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो, कभी पानी निकलेगी? बताओ, निकलेगी कि नहीं? नहीं निकलेगा ना। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अच्छी बात को समझा रहे हैं, भले ही हमारी अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है हमारी अंदर में, लेकिन जैसे यहाँ पर कथा में बैठे हो, कथा रस को पान कर रहे हो, अब बताओ कोई काम क्रोध लोभ तुमको सता रहे हैं? अभी कुछ भी याद नहीं, क्यों? ठाकुर जी कथा रस में हम डूबे हुए हैं। इसलिए कहते हैं अगर हर समय हम कथा में अगर हर समय डूबे रहेंगे, भले ही तुम्हारी अंदर में जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो, वो तुम्हारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हर समय क्या करो? भगवान की कीर्तन करो, भगवान की नाम करो, भगवान की सेवा करो, तो तुम्हारी काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कहते भैया इसको क्या करो? नित्य निरंतर पान करते रहो। बोले भैया इसको कौन पी सकता है? बोले केवल दो लोग ही कथा रस को पी सकते हैं, एक भावुक है और एक रसिक है, यही लोग ही पी सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा का
इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये कथा को कौन सुन सकता है, बोले जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो पार्वती वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। इसलिए जन्मांतरी भवेत पुण्यम, करोड़ जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी ये कथा रस को कोई पान कर सकता है। इसलिए अब ये घोर कलयुग आया है, अब ये सौनक आदि ऋषि लोग बड़े डरते हुए श्री ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बचेंगे कैसे। बोले एक काम करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकता हूँ, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर भजन करो। तब ये सौनक आदि ऋषि लोग कहते वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य में गिरा, वहीं पर सौनक आदि ऋषि लोग बैठ करके तपस्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही थी। इतने में एक दिन श्री सुतो गोस्वामी आए, सौनक आदि ऋषि लोग सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किया, और जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना ये पूर्ण भागवत है। हाँ ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह से सुनो, उनने जो छह प्रश्न किया है ये छह प्रश्न का उत्तर ही ये श्रीमद् भागवत। ध्यान देकर सुनना, अनुभव लिख रहा है कि नहीं, इसलिए ये छह प्रश्न का उत्तर ही भागवत है। ध्यान देकर सुनो, मेरे को छह प्रश्न की बात बोलना, इसलिए जो थोड़े लिखे पड़े है ना, मैंने बताया ना एक पेन और एक कागज लेकर के आना, ठीक है ना, कल लेकर के आना कागज और एक पेन लेकर के आइयो, सारे बात को लिखना, और उसको हम चाहते सात दिन में आप इतने ज्ञानी बन जाओ, इतने ज्ञानी बन जाओ सबके जैसे ठाकुर जी कथा सुनाना शुरू कर देना, ठीक है। ध्यान देकर सुनो, इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। देखना संसार में जो कुछ करते हैं किस लिए करते हैं, शांति सुख के लिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, जैसे सामने कोई एक समस्या, हम सोचते हैं अगर किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए हम चैन मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना एक समस्या तो दूर हुई नहीं, दूसरे समस्या। हम सोचते हैं किसी तरह से ये एक समस्या हमारी हल हो जाए शांति मिलेगी, लेकिन देखना वो दो समस्या तो गई नहीं, तीसरी समस्या खड़ी। ये समस्या के बाद में समस्या में हम दल दल में फंस जाते हैं। लेकिन इनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। देखो ये प्रश्न में ये चीज जुड़ी हुई है, इसका मतलब है जब तक जीवन में हम भगवान नहीं मिल जाते हैं कभी भी शांति सुख तुम्हें मिलने वाले नहीं है। तब भी शांति सुख मिलेगा, कृष्ण कहते हैं माम उपतु तू कौंते या पुनर्जन्म न बिदते, हे अर्जुन जब तक ये जीव मुझे प्राप्त नहीं करता है ये कभी जीव को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, हाँ गोस्वामी जी भी यही कहते हैं जब तक ठाकुर जी नहीं मिलते हैं तब तक कभी भगवत जीवन में शांति सुख नहीं मिलेगी तुमको। इसलिए इनका दूसरा प्रश्न जीवन में सबसे कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या प्रभु की प्राप्ति का। तीसरा नियम है हमें भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर हमें कथा सुना, कृष्ण की सुंदर सुंदर हमें प्यारी प्यारी कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यम्। कभी भगवान रामावतार में आए रावण को वध किया, कभी नरसिंह बन करके आए हिरण्यकश्यप को वध किया, कभी मत्स्य अवतार में उन्होंने ये वेद को उद्धार करते हैं, कभी कुर्मा अवतार में ठाकुर जी ये मंदारचल पर्वत को धारण किया,
कभी भगवान बरहा अवतार में पृथ्वी को उन्होंने उद्धार की, इसलिए भगवान की अलग अलग अवतार का भी कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जस, उनके नाम की महिमा। जैसे अजामिली में अपने का बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया था, लेकिन उसने केवल बेटे को नारायण नारायण करते करते मुक्ति मिली गई, केवल बेटा का नाम ले लेकर के। भगवान कैसे गिरिराज गोवर्धन को कैसे कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में ठाकुर जी धारण किए, बोले गिरिराज महाराज की। कैसे भगवान कृष्ण घास रचाए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। सत करोड़ गोपियां थी, लेकिन सब देख रहे थे हमारे साथ में कृष्ण है, सब हमारे साथ में कृष्ण है। इसलिए हमें भगवान के अद्भुत जस की कथा सुनाओ। और इनका जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, ये कलियुग में ये भगवान कहाँ पर अपना स्वरूप रख कर गए, हमें ये छह प्रश्न की उत्तर दो। जब उन्हें ये प्रश्न की, इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी की रोम रोम खिली उठा, बोले क्या तुमने सुंदर प्रश्न की, जिस उत्तर में केवल हमें ठाकुर ठाकुर की कथा सुनाना पड़ेगा। बड़े प्रसन्न हो गए, पर पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके फिर तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा। बोले बंदो गोरो पद पदो मा परागा, पद पदो मा परागा, बंदो गोरो पद पदो मा परागा, बंदो गोरो पद पदो मा परागा। सर्वप्रथम उन्होंने श्री गुरु जी को प्रणाम किए, बोले मेरे जो इसका इको काम कर दो भैया, मेरे गुरुदेव कौन है, श्री सुखदेव गोस्वामी, जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे। लेकिन साधारण रूप में बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, कितना महीना रहता है 9, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कितना साल तक रहे, 16 साल तक रहे। जब श्री व्यास देव बोले भैया मैया को इतने कष्ट क्यों देते हो, निकल करके आओ, अंदर से आवाज, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले हर बच्चा माँ के पेट में भगवान से कसम खाता है, जब 7 महीना हो जाए बच्चे को ज्ञान हो जाता है, हजार हजार साल की याद आता है जन्म की, मैंने पूर्व पूर्व जन्म में मैंने कैसे कैसे कर्म करके पैसा कमाया था, लेकिन उसका फल मातृ गर्भ में दुख कष्ट पा रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे कहाँ, बीबी कहाँ, परिवार कहाँ, यहाँ तो कोई साथ में है ही नहीं, कोई साथ में नहीं रहता है, सुख का समय दुनिया रहता है सुख में, दुख में कोई नहीं रहता है, उसको पता चलता है संसार झूठा है, इसलिए ये संसार झूठा उसको एकदम पता चल जाता है, संसार में कोई किसकी है नहीं। लेकिन मातृ गर्भ में वो भगवान से वायदा करता, ठाकुर जी मेरे को एक बार ये नरक से निकाल दो, मैं कसम खाता हूँ एक बार अगर मेरे को जन्म देंगे, उठते बैठते सोते तेरे मेरे नाम जप करूंगा। हम लोगों ने यही बोल करके आए थे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मातृ गर्भ से तो प्रभु की भजन की कसम खा करके आए, लेकिन यहाँ आकर के ना जो करने के लिए आए वही नहीं किया, और जो नहीं करने के लिए आए उसमें लग गए, उसी में ही लग गए जो करने के लिए नहीं आए थे। इतने में ठाकुर जी कहते थे, अच्छे तरह सुना, ठाकुर जी कहते तुम सही सही बता रहे हो भजन कर, बोले प्रभु एकदम कसम खा कर कहता हूँ, बोले अगर मेरे को भूल जाओगे ना बीच बीच में वार्निंग दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ये मेरी फर्स्ट वार्निंग, अब ध्यान लगा कर देखना बाल कहाँ से पकता है, यहीं से सबसे पहले कान में बेल दे दिया, तू बोल करके आया था भजन करोगे ना, इतने समय टीवी स्मार्टफोन देख रहे हो,
कितने समय दुनियादारी की बात करते हो और कितने तुम भजन करते हो, पहला वार्निंग दे दिया, लेकिन जो पहले बाल पक जाए ना हम उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतना जल्दी बूढ़ा बूढ़ी बना रहे हो, हमारे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा बाल भी पकता है उसको भी उखाड़ देते हैं, तीसरा बाल भी पक उसको भी जब खिचड़ी बन जाए फिर मेहंदी कलर लगा करके फिर कलर कर देते हैं, बोले थोड़ी बूढ़ा बूढ़ी हमें, हमारे कुछ नहीं हुआ, हम तो चंगा है। भगवान कहते फिर दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या, बोले आंखों में कमजोरी हो जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा लगा देते हैं। बोले तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जो खिलखिला करके हंस रहे हो ना एक एक दांत को तोड़ना तेरा प्रारंभ कर दूंगा, ये एक एक वार्निंग है, ठाकुर जी कहते हैं। बोले समय हो गया ऊपर जाने का तुम्हारी, समय हो गया तुम्हारी, लेकिन पूरा जब दांत टूट जाए ना फिर डेंटिस्ट को पास में जाकर बढ़िया दांत लगाकर खिलखिला कर हंसते हैं, बोले मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएंगे, डंडा पकड़ना शुरू करोगे, फिर डंडे पकड़ना शुरू करोगे, लेकिन उसका वार्निंग को हम सुनते नहीं, बोले देखो जो ठीक थी वार्निंग ना पंचमा वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो तेरे राम नाम सत्य कर दूंगा, राम नाम सत्य कर दूंगा, इसलिए फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान देकर सुना इधर, जब शरीर छूट जाता है देख लेना, जब किसी अर्थी सजाते है ना उसको हाथ प्यार को तो बांध देते हैं रस्सी में, लेकिन ये सर को एक तकिया के ऊपर में ये सर को रख लेते हैं और उसको बोलते बोलते क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गत्य है, किसको सुना रहे हैं, और जो ऊपर लेटा हुआ उसको सुनाते, बोले बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम लिया है ना तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किए हो केवल तुमने झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहां से नहीं जा रहे हैं। पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चली गई, उसका आगे पत्नी नहीं चलने वाले, परिवार वाले कहां तक चलेंगे, शमशान तक चलेंगे, उसको आगे तेरे कोई भी साथ देगा नहीं। वो उसको सुनाते हैं जितने तुमने कृष्ण राम नाम लिया वही लिया, मतलब उसको सुनाते भैया अंतिम समय में तू राम राम कृष्ण के साथ बोल, लेकिन देखना हाथ प्यार को तो रस्सी से बांध देते हैं, सर में एक तकिया रखते हैं, जब ले जाते हैं ना अर्थी, बोले राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम कृष्ण का नाम ले, उसका सिर क्या होता है ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, मतलब क्या है, बोले अभी भी मैं राम का नाम नहीं लूंगा, अभी भी मैं कृष्ण का नाम अभी भी नहीं लूंगा, बोले अभी भी नहीं लोगे, बोले नहीं, बोले चलो अभी तेरा मजा चखाता, फिर कहाँ ले जाते हैं उसको, ले जाते हैं फिर शमशान में, फिर चिता सजा देते हैं, चिता के ऊपर लेटा देते हैं, हैं? चिता के ऊपर में लेटा देते हैं, बोले अभी भी तू राम राम ले ले, अरे अभी तो कृष्ण नाम ले, बोले अभी भी नहीं लूंगा, बोले नहीं लोगे तो क्या करेंगे, लास्ट में जो बेटा होता है ना मुंह में मुखाग्नि देता है, जानते हो क्यों देता है, इसका रहस्य तुम्हें पता है, सुन लो अच्छे तरह से, क्यों उसके मुंह में अग्नि देते हैं, बोले भगवान तेरे को ये मुंह दिए थे ठाकुर का नाम लेने के लिए, भजन के लिए तेरे का नाम दिए थे मुंह, लेकिन तुमने ये मुंह में ठाकुर का भजन नहीं किया इसलिए तेरे मुंह में आ गया, इसलिए बेटा मुखाग्नि देता है, लेकिन हमारी वैष्णव जगत में मुंह में आग नहीं देते, उसकी चरण में देते हैं, बोले क्यों, बोले ये अग्नि एक देवता है, बोले जिसने जिंदगी भर प्रभु का भजन किया है ना ये अग्नि देवता भी उसके चरण की पूजा करते हैं, भैया तेरे चरणों को मैं पूजा करता हूँ, क्यों, जीवन पा करके तुमने प्रभु की भजन किया है भक्ति किया है, इसलिए मातृ गर्भ में हम सबके सब ठाकुर जी को पास में वायदा करके आए, ठाकुर जी एक बार ये जबन जीवन दे दे, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, तेरे भक्ति करूंगा, लेकिन इधर आकर के जो करने आए थे उसको तो किया ही नहीं और जो नहीं करने आए थे ना उसमें ही जिंदगी भर लगा दिया, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ठीक है ना, इसलिए बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का थोड़ा नाम जप कर, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कलयुग के बलना मा आधा
हरि योग के भजना कलि योग के भजना कलि योग के कलयुग में हम कोई कष्ट साधन कर ही नहीं सकते क्योंकि कलयुग का जीव है। इसलिए ठाकुर जी बोले कलयुग में क्या करो, हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगाते हो, भगवान की मंदिर में, भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। जैसे गोपियां घर में झाड़ू लगाती थी हाथों में, लेकिन ठाकुर जी को बुलाया करती थी, और गोपियां इधर दधी मंथन करती थी, लेकिन किसके लिए मक्खन बनाते हैं, कहते ना आज मेरे अंगना में आइयो नंदलाल आइयो गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम। आज मेरी अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन के प्यासी गोजरिया श्याम। हाथों में काम करो, काम नहीं सेवा। जैसे रसोई बनाते हो, हाथ में रसोई बनाओ और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी की नाम लो। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, अरे बोलो जोर से, करो कि नहीं, यहीं पर बोल कर जाते हो। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, बस बड़ा पार है। कलयुग में कोई ज्यादा कठिन साधन है नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कारी बहुधा, हरि अनंत हरि कथा अनंत है। कितने ठाकुर जी का नाम, अरे कलयुग में अपना नाम में ठाकुर जी सारे शक्ति दे दिया। इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर नियमित स्मरण न काल, ठाकुर ये नहीं बताए जब पवित्र हो तभी मेरा नाम ले सकते हो, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। उन्होंने ये भी नहीं बताए किसी अवस्था में भी ठाकुर जी का तुम नाम ले सकते हो। लेकिन ठाकुर जी दुखी होकर के बात कहते हैं, कलयुग में मैंने इतने सरल उपाय रख दिया तब भी कलयुग का जीव प्रभु का नाम नहीं लेते। सत्ययुग में कहा ध्यान, तृतीययुग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन, कितने कष्ट करके प्रभु मिलते थे। कलयुग में सबसे आसानी उपाय बता दिया, लेकिन तब भी जीव का भगवान के नाम में रुचि नहीं, फिर इनका कल्याण कैसे होगा। ठीक है ना, सबके सब ठाकुर जी की नाम जप करियो। देखो हम यहाँ बैठ करके 5 मिनट ठाकुर का नाम जप करेंगे। मेरे तरफ में एक बार देखो, ये माला को देखो, कैसे माला जप करोगे। एक समय महाप्रभु अपना भक्तों को शिक्षा देने के लिए बोले, भक्तों ने निमंत्रण किया प्रभु को, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। लेकिन भगवान बोले मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करोगे, बोले जो लखपति बनेंगे, जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, मतलब जिसको घर में 100 स्वर्ण मोहर हो, कोई तो 100 रुपया तो उसको घर में। बोले आप लाख की बात करते हो, हमारे घर में तो 100 रुपया नहीं, फिर हमारे घर में क्या भोजन करोगे नहीं। फिर भगवान बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। मेरे तरफ में देखो लखपति कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम, जानते हो कौन कौन अमिताभ बच्चन नाम जानते हो, सब जानते हो। कुछ दिन पहले टीवी में आता था कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप देखो लखपति कैसे बनोगे, मेरे तरफ में देखो। अभी आपके एक एक माला देके जप करने के लिए तो वो कथा हनुमान की कथा सुना सकते हो, हनुमान जी कथा जो अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो, है ना। तो नाम का महिमा क्या सुना देना, ठीक है। हाँ तो दोनों एक ही कथा सुना। हरे कृष्ण, देखो मेरे तरफ में देखो, जैसे ये माला है, जब ये माला जप करते हैं
ये अंगुल को अच्छे तरह से देख लो, ये अंगुल को हम इसमें नहीं लगाते हैं। क्यों? ये गंदा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है, तेरे को मैं देख लूंगा। पहले ये अंगुल निकलता है ना, ये काम क्रोध लोभ का प्रतीक है, इसलिए ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं, रख करके जैसे हरे, मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल कर ना उसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर फिर दो मोती सरकाते हैं, तीन बार बोल कर तीन मोती सरकाते हैं। देखो एक लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया, 16 बार हो गया है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनते हैं, इसलिए 16 बार हो गया है। मतलब एक मोती जब हमने सरका है ना, वो 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती जब यहाँ खत्म हो जाता है, इसको पार नहीं करते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके दूसरे बार दूसरे साइड से करते हैं। अगर ऐसे फिर अगर दो बार करते, अगर 16 माला अगर कर लिया तो वो हिसाब से होता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर लिया ना, वो हो जाता है 1,00,000। कितना हो जाएगा? ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया। ये भगवान खुद कहते हैं 1,00,000 रुपया तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसमें ब्याज कितना मिलेगी? ब्याज तो मिलनी चाहिए ना, 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में ना 2,00,000। कितना हो गया 4 दिन में? कितना हो गया? इतने जल्दी इसकी ब्याज इंटरेस्ट इतने जल्दी बनती है, इतने हैं, और यही धन ही। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब जाओगे ना शरीर छूटेगा, ए माला ही माल वहां पर मिलेगा तुमको। इसलिए कबीर कहते हैं, देखो कबीर क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले मरने में सब जग डरे, दुनिया मरने के लिए डरता है, लेकिन मेरा मन आनंद है, लेकिन मैं खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया दुनिया मरने के लिए डरते, तू भी खुश हो रहे? देखो क्या कहते हैं, बोले इसलिए मरने के लिए डरते हैं, प्रभु का भजन नहीं किया ना, पता नहीं कौन सा जीवन में जाएंगे, फिर 84 लाख जन में भटेंगे, लेकिन मेरे को पता है मैंने जिंदगी भर ठाकुर जी का भजन किया है, इसलिए कब मरियो कब भेटियो परमानंद। वो कह रहे हैं मैंने राम का कृष्ण का नाम लिया, मेरे को पता है मेरे लिए VIP व्यवस्था होगी, क्योंकि प्रभु का मैंने भजन किया है। ये पूरा के पूरा डिपोजिट भगवान के दरबार पर है, भगवान के दरबार पर डिपोजिट ही पूरा के पूरा मेरे को ब्याज समेत मिलेगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। लेकिन दुनिया क्यों डरता है? बोले भजन किया ही नहीं, पता नहीं कौन सा जीवन में कौन सा नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए जीव डरता है। अगर भजन करोगे ना, देखो और एक चीज समझो, जैसे यहाँ पर कितने भक्त बैठे हो, कितने लोग बैठे हो, कितने होंगे? 150 होंगे। लेकिन आपने तो माला करोगे एक, लेकिन थोड़ी थोड़ी जोर जोर से करना, ठीक है? थोड़ा जोर जोर से करोगे ना, सभी की आवाज सभी को कानों में जाएगा, जाएगा तो माला तो एक करोगे, लेकिन 150 माला करने का फल मिल जाएगा। क्यों? सबके सब हरिनाम कर रहे हैं, सभी का आवाज सभी का कानों में जा रहा है, इसलिए 150 माला मतलब कितना हो गया? 64 समझो, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 2,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। कितना डिपॉजिट हो जाएगी? 2,00,000। फिर कल कितना मिलेगी? 2,50,000 मिलेगी तुमको, 2,50,000। और यही धन ही तुमको पूरा के पूरा तुम्हारी खाता में पूरा के पूरा जमा होगी। देखो एक संत कह रहे हैं, जो भगवान का नाम लेता है उसको 3 फल मिलता है। क्या 3 फल मिलता है? क्या मिलता है उसको? 3 लाभ होता है। कितना लाभ होता है? हाँ देखो क्या, अच्छे तरह से सुनो, कल मेरे को बोलना। पहला लाभ है, कहते जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त कौन? सर जीवन का लिखा जोखा जो करता है। चित्रगुप्त को बुलाते, बोले कापी ले आ। बोले क्यों? बोले ये नाम ये व्यक्ति का नाम को यहाँ काट दे, ये व्यक्ति का नाम यहाँ से काट दे। बोले किस लिए? बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना, कभी कभी नरक नहीं आएगा। दूसरा काम,
गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बुलाती हैं, बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले इसके नाम को यहाँ पर लिख दे चढ़ा दे, बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना वो सीधा ठाकुर के पास में गोलोक वृंदावन जाएगा। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते, बोले किस लिए, बोले ठाकुर का नाम ले रहा है ना, जब ठाकुर जी को पास में जाएगा भूर भूव लोक होकर के जब ब्रह्म लोक होकर जाएगा मैं इसको आरती उतारूंगा। इतना लाभ है जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करता है। अब बताओ हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसलिए घर घर में हनुमान की पूजा होती है। मीरा क्यों घर घर में पूजा होती है, ठाकुर जी का नाम लिया है। इसलिए माता जी देवी की आठ हाथ में देखना, एक हाथ में माला देख लक्ष्य करके देखना, ब्रह्मा जी की चार ही हाथ में देखना, एक हाथ में माला, सरस्वती की चार ही हाथ में देखना, एक हाथ में माला। इसलिए कहते हैं राम नाम की माला, उसके बाद में बोलो जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल्ली वाले नहीं है, कौन बोल जपेगा, कौन जप करेगा, वो दिल्ली वाले नहीं, दिल वाले मतलब क्या, जिसका दिल मजबूत हो है वही कर सकता है, जिसका कमजोर हो ना वो भगवान का नाम नहीं देगा, वो उल्टा पुल्टा दुनियादारी की बात करेगा, लेकिन ठाकुर का नाम नहीं जप कर सकता है। इसलिए माला जपी थी गौरा माने मिल गया डंबरू बाला, जपेगा कोई, इसलिए माला जपी थी अंजना माने मिल गया बजरंग बाला, जपेगा कोई, हाँ तुम लोग सब दिल वाले। हाँ अभी ये जो माला है ना आपको एक माला देंगे, लेकिन लेने के लिए नहीं, जप करके फिर वापस दे देना, ठीक है, एक माला जप करेंगे हैं, एक माला जप करेंगे और यही माला ही तुम्हारे जीवन में काम में आएगा, और माला जप करके हमें वापस दे जाना सर, कोई लेना नहीं। हाँ हमारे ये प्रभु जी आपकी छोटी सी स्टोरी सुनाएंगे, सुनाओ तो, मतलब भगवान की जो नाम है यही से देखो माता है, ध्यान देकर सुनाओ विशेष कर, जैसे कभी कभी आप लोग अपवित्र होते हो कितना भगवान के नाम जप कर सकते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बताए पवित्र हो नहीं तो अपवित्र हो किसी अवस्था में भी ठाकुर का नाम को हम जप कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं। एक छोटी स्टोरी सुनाएगा, सुना अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः, वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृन्द, एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोगों का तो अभी भी मुंह खुल रहा है, गुटका पान खा रहे हो तो उनकी बात अलग है, बाकी जो लोग एकदम एक बार फिर से हाथ उठा के सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमानंदितम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोत मंडली भगवत कथा पार्षद सभी के चरणों में मेरे यथा योग्य प्रणाम। भगवान के गुण भगवान के नामों की गुण महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने जो अपनी उपदेश दिए उसके अंदर शिक्षा अष्टक के अंतर्गत एक श्लोक बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दृश्यम इह जनी नाना अनुराग। कह रहे भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति को संचरित कर दिया है, जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति भगवान के नाम में भी है, यहाँ तक कि बतलाया है हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम,
इसलिए कहते हैं ना, जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम। अरे भगवान राम को तो सागर को पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन हनुमान जी को किसी पुल की आवश्यकता पड़ी? हनुमान जी ने तो एक बार जय श्री राम बस ये नाद किया और छलांग लगा के उस सागर को पार कर गए। लेकिन प्रभु राम को वही सागर पार करने के लिए पुल की आवश्यकता पड़ी। द्रौपदी ने जब भरी सभा में कृष्ण को पुकारा था, एकमात्र भगवान का नाम लेने से ही तो वस्त्र रूप में वहां प्रकट हो गए। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हरि से बड़ा हरि का नाम। लेकिन क्या बताया, इतना सुलभ नाम होने पर भी हम उसका जप नहीं करते, और विशेष करके नियमित स्मरणे न काल। ऐसा नहीं, भगवान ने कोई कंडीशन नहीं रखी हमारे सामने कि भैया जब पवित्र अवस्था में हो तभी जप करना, जब अपवित्र हो जाओ तब जप नहीं करना, संध्या के समय में ही जप करना, रात में जप नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं रखी है। अरे जब भी आपके पास में समय है तभी भगवान का नाम जप करो। एक साधु थे, वो साधु एक किसान से कभी भेंट हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी खेती वगैरह तो जो भी करते हो सब ठीक है, लेकिन भगवान का भजन किया करो, कलयुग के अंदर ये भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है, इसलिए भगवान का नाम लिया करो, राम राम बोला करो। बोले मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरी खेती बाड़ी, पशु को सारा आहार देना, दूध दोहना, कितने काम है, आपको क्या पता, आप तो विरक्त संत हो इसलिए भगवान का नाम ले सकते हो। बोले तेरे पास पूरे दिन में कभी समय नहीं होता? बोले नहीं। अच्छा एक बार समय होता है। बोले कब? बोले जब मैं शौच क्रिया में जाता हूँ, सुबह सुबह जब मैं शौच क्रिया में जाता हूँ उस समय पर मेरे पास समय होता है, और तो मैं सब समय व्यस्त रहता हूँ। साधु बोले चलो कोई नहीं, भगवान का नाम करने में तो कोई नियम नहीं, तुम जब शौच क्रिया कर रहे हो उसी समय पर भगवान का नाम लेना, ठीक है। किसान के ये बात समझ में आ गई, जब अगले दिन शौच क्रिया करने गया, अभी वहां पर बैठे बैठे ही राम 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 जप कर रहा है। अभी जहां जहां पर भगवान का नाम होता है, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, प्रभु जहां पर भी भगवान का नाम होता है हनुमान जी वहां पर निश्चित रूप में उपस्थित होंगे। जैसे ही हनुमान जी ऊपर आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, देखा कहीं पर राम नाम का कीर्तन हो रहा है, हनुमान जी नीचे उतरे। नीचे उतर कर सोचा कि कोई लगता है भगवान का भक्त कीर्तन कर रहा होगा। जाकर जैसे ही देखा बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या शौच क्रिया में बैठा है, इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि कब भगवान का नाम जप करना चाहिए। हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए, क्रोधित होकर और इतनी जोर से लात मारी उसके, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। आराम से वहीं बैठा बैठा राम 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 भगवान का नाम ले रहा है। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि भैया मेरी लात, यदि मेरी लात घूसा किसी को पड़ जाए तो उसकी तो श्वास चलना बंद हो जाती है, और इसके तो टस से मस नहीं हुआ, क्या चक्कर है। फिर सोचा चलो छोड़ो, वहां से निकल गए। निकलकर जैसे ही अयोध्या में आए, प्रभु राम के महल में प्रवेश किया और वहां से क्रंदन करते हुए, आह बड़ी पीड़ा हो रही है इस प्रकार की आवाज आने लगी। अंदर प्रवेश करके देखा तो स्वयं प्रभु राम पलंग पर लेटे हुए और बड़े पीड़ा से कातर होके कह रहे हैं, ना जाने किसने मारा, मेरी पीठ में तो बड़ा दर्द हो रहा है। हनुमान ने जाके प्रश्न किया, प्रभु क्या हो गया? हनुमान क्या बताऊं, आज मेरे ऊपर किसी ने इतनी जोर से प्रहार किया, बड़ी असहनीय पीड़ा हो रही है। बोले प्रभु आपके ऊपर किसी ने प्रहार किया, ये कैसे संभव है, आप तो त्रिलोकी नाथ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आपके ऊपर कौन प्रहार कर सकता है। बोले हनुमान तुम्हें याद है, तुम जब आकाश मार्ग से होते हुए अयोध्या की ओर आ रहे थे तब तुम्हें किसी कोई मिला था। बोले हाँ प्रभु, मेरे एक व्यक्ति से भेंट हुई थी, आपका नाम कीर्तन कर रहा था, लेकिन शौच क्रिया में, शौच करते वक्त आपका नाम कीर्तन कर रहा था, मुझे बड़ा क्रोध आया, मैंने उसी समय पर उसे एक लात मारी। प्रभु राम कहते हैं कि देखो मेरे नाम में और मेरे में कोई फर्क नहीं, जब वो मेरा नाम जप कर रहा था मैं स्वयं वहां पर विराजमान था, तुमने मानो उसे नहीं, तुमने स्वयं मुझे ही, मेरे श्रीअंग पर ही तुमने प्रहार किया, और तुम्हारा प्रहार जिसको हुआ है उसकी तो कमर टूटनी ही थी, इसीलिए मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मानो भगवान राम ही यहां शिक्षा दे रहे हैं कि हरि का नाम हरि से अभिन्न है, प्रभु राम का नाम उनसे अभिन्न है। जब इस जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम उदय होता है, कृष्ण ने, भगवान राम ने तो अयोध्या में कौशल्या माँ के गर्भ से जन्म लिया, कृष्ण ने तो यशोदा के गर्भ से जन्म लिया एक बार, लेकिन जब जब साधक के जिह्वा पर ये भगवान का नाम उदित होता है, तब तब भगवान राम, तब तब भगवान कृष्ण इस साधक की जिह्वा पर जन्म लेते हैं, इसीलिए भगवान नाम की बहिर्महिमा है। लेकिन क्या बतलाया, सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिना तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमत परम। भगवान ने ये नाम बड़ा सुलभ रख दिया,
अभी जो हम नाम जप कर रहे हैं, क्या कुछ किसी कुछ पैसा देना पड़ता है? किस किस ने पैसा दिया, हाथ उठाओ जरा। किस किस को बड़ा कष्ट हुआ भगवान का नाम लेने में, बताओ मुझे। कह रहे हैं सुलभम भगवत नामम, भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। और जिह्वा च वशवर्तिना, ये हमारी जीभ है ना, ये भी हमारे कंट्रोल में है। अगर इसे बोलो दुनियादारी की चर्चा करने के लिए तो वही काम करेगी। अगर इसे कहो कि भगवान का नाम लेना है, कृष्ण कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, तो ये वही करेगी। ये जिह्वा भी हमारे वश में है, लेकिन फिर भी तथापि नरकम यान्ति, अरे जीव तब भी नरक की ओर गमन कर रहा है। किम आश्चर्य मत परम, इससे बड़ा आश्चर्य आके हो क्या सकता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इतना सुलभ नाम होने पर भी यदि कोई उसका जप ना करे और नरक की ओर अपना पथ अग्रसर कर रहा है, तो इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। इसीलिए नरक का नाश्ता अपने लिए मत खोलो। कलयुग के अंदर बड़ा ही सहज उपाय हमें भगवान ने दे दिया है, उनका नाम। इसीलिए इस नाम को जप करो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ, क्योंकि ये जिह्वा की सार्थकता इसी में है जब हम भगवान का नाम जप करें। एक बार सब हाथ उठा कर बोलो, सब माइक उसको दे दो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, और एक अनाउंसमेंट है, जैसे हम लोग अभी इसी गांव में हैं, अभी तो और 5 दिन रुकेंगे। कितना दिन रुकेंगे? 5 दिन। हम चाहते हैं, हम जब और कहीं जाते हैं ना, हम घर घर में जा कर के भगवान का कीर्तन करते हैं, घर में भगवान की कथा सबको सुनाते समझाते हैं। अगर आप लोग कोई चाहोगे हमारे घर में भी भक्त लोग आए कीर्तन करे कथा करे, आप लोग, हम जैसे ये शाम का समय में जैसे कथा अभी 5:30 बजे विश्राम हो जाएगी, हम यहीं पर रुकेंगे। अगर आप लोग को अगर कोई घर में बुलाना चाहते हो, आप हम लोग को बुला सकते हो, आप लोग घर में आएंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। जिस घर में भक्त लोग आए, जिस घर में प्रभु का कीर्तन होना, वही घर भगवान के धाम वृंदावन बन जाते हैं। अगर कोई चाहते हो तो आप लोग हमको यहाँ बुला सकते हो, हम लोग घर में आकर के हम सत्संग कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रभु जी 2 मिनट एक कथा सुनाएंगे, उसको बाद में सबको संभाला जाएगा। आपने अभी प्रभु जी से हरि नाम की महिमा सुनी, और गुरुदेव भी इतने समय से आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं और बीच बीच में हरि नाम के विषय में भी बताते हैं। उसी विषय में गुरुदेव का आदेश हुआ है हरि नाम की महिमा के विषय में। त्रेता युग में कौन आए थे? कौन आए थे? भगवान राम। जिस समय रावण माता सीता को चुरा कर ले गया था समुद्र पार, वो पुल कैसे पार किया था? पत्थर, उस पत्थर से, पत्थर पे भगवान का राम, भगवान का नाम लिख करके वो पुल को पार किया था। वो कैसे? एक पत्थर पे राम लिखते थे और एक पत्थर पे माँ, और दोनों को जोड़ देते थे, भगवान का नाम लिख करके उसको जोड़ देते, और धीरे धीरे वो पुल तैयार हो गया। उसके बाद सब भगवान के नाम के पुल से उसे पार कर गए। जब पुल बन रहा था, भगवान राम ने सोचा कि मेरे नाम से ये लोग पुल बना रहे हैं, मेरे नाम में कितनी शक्ति है, मुझे जो है ये चेक करना चाहिए। वो एक साइड में गए और वहाँ जाकर पत्थर को पानी में फेंका, पत्थर क्या हुआ, डूब गया। बार बार भगवान देख रहे हैं पत्थर को फेंक करके। अब हनुमान जी कैसे भगवान के बिना नहीं रह पाते, अगर भगवान का दर्शन नहीं हो वो एक पल के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने भगवान को देखा इधर उधर, भगवान नहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया और दूर से देखा भगवान क्या कर रहे हैं, झाड़ी में छिप करके पत्थर फेंक रहे हैं। भगवान हनुमान जी चुपके से उनके पास गए और छिप करके देख रहे हैं कि प्रभु मेरे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने जा करके उनसे पूछा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे हनुमान तुम यहाँ पर कैसे? बोले, प्रभु जहाँ आप वहाँ मैं, अब मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? तो भगवान बोले उनसे, मैं ये देख रहा था कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे नाम से पत्थर पुल पर तैर रहे हैं, मैं चेक कर रहा था। तो हनुमान बोले, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तैर सकता है? हाँ, इसलिए भगवान राम बोले, हनुमान जी मेरे मन में एक शंका है, बोले किस चीज़ की, आप तो भगवान हो, बोले तुम लोग मेरे नाम को लिख करके शिला के ऊपर छोड़ रहे हो, पत्थर तैर रहा है, मैं स्वयं राम होकर के
जब कोई पत्थर को फेंकता हूँ देखता हूँ वो डूबते जा रहा है, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या रहस्य। बोले प्रभु वो पत्थर क्यों तैर रहा है, चूंकि उसको ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ, जो आपके नाम को सहारा लेगा वो तो जरूर तैरेगा, लेकिन वो डूब क्यों रहा है। बोले कारण है आप जब किसी चीज को उठाओ और फेंकना, फेंकना मतलब क्या है, आप उसको त्याग दे दी, दुनिया का मालिक आप हो, अगर आप किसी व्यक्ति को त्याग दोगे वो कभी तैर सकता है, वो तो डूब ही जाएंगे। लो यही मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। अभी गुरुदेव ने बताया कि कैसे कैसे भगवान के नाम से पत्थर तैर रहे थे, इसलिए आप लोग भी अगर ये संसार में आप भी अगर प्रभु का नाम लोगे ना क्या होगा, बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तैरा, इसलिए आप भी अगर ठाकुर का नाम लोगे आप भी तैर जाओगे। इसलिए माला को निकाल दो, निकाल माला को, आप वहीं खड़े होकर ना जोर जोर से बोलना हरि नाम। ये बात समझो मेरे पास में माला नहीं करूंगा, नहीं सबके साथ बिना माला के भी कर सकते हो, फल आपको वही फल मिलेगा, इसलिए जोर जोर से बोलना ठीक है, क्योंकि इसका आवाज जितने दूर तक जाएगी सारे दुख कष्ट अभाव अनटन व्याधि रोग सबके सब दूर हो जाएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी जोर जोर से बोलो ठीक है। बोलो मेरे साथ में, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मोती सर करेगा पूरा बोल करके एक मोती, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम संकीर्तन की जय। आप लोग जो माला है ना सब वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, कोई लेगा तो। हाँ, जिनको इच्छा होगी माला मैं बाद में आप सबको दूंगा। हम बैठ बैठ कर रोज रोज यहाँ पर एक एक माला जप करेंगे। देखो ये जो ठाकुर का नाम जप हो रहा है ना, तुम्हारी गांव के जितने दुख कष्ट है, जितने अशांति है, ये सबके सब खत्म हो जाएगी भगवान की नाम की प्रभाव से। सबके सब माला दे दो, रखना नहीं कोई। सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े। एक छोटी सी भजन गाकर फिर आरती करते हैं। सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब ठाकुर जी की एक छोटी सी भजन और प्रसाद लेके जाना सबके सब। और सबके सब ठाकुर का भजन में सब नाचना सबके सब। Oh,
Don't give up.